हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम अनिल और हम लोग अभी स्कूल मैनेजमेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जिसमें से वीडियो पार्ट नंबर ये 7 है। ठीक है, इसका जो प्रीवियस वीडियो था पार्ट 6 था, जिसमें हम लोग देखे कि टीचर्स को ऐड करना है। ठीक है, और टीचर्स को वहाँ पे एडिट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग लास्ट वीडियोज़ में देख लिए। अभी जो है आज की वीडियो में, जो कि पार्ट 7 सेवन वीडियो में हम देखने वाले हैं, टीचर्स को कैसे सब्जेक्ट असाइन करते हैं, मतलब कि कौन सा टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने वाला है स्कूल में। ठीक है, तो ये हमें इसमें ऐड करना है। तो चलो, तो इसके लिए पहले एक नया पेज भी ले लेते हैं, पहले उसको स्टॉप करते हैं। ठीक है, तो अभी हमें जो पेज लेना है उसका पेज नाम हम लोग देख लेते हैं मास्टर पेज में। ठीक है, उसको मास्टर पेज इसका टीचर के सेक्शन में हमने टीचर्स को ऐड किया है। अभी टीचर सब्जेक्ट ये अलाज हमें ऐड करना है, तो इस पेज का नाम है टीचर सब्जेक्ट। ठीक है, तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं और इसके नाम पे हम नया पेज क्रिएट करते हैं। और ये कहाँ पर, ये एडमिन फोल्डर के अंदर है, राइट? तो इसके लिए हमें एडमिन फोल्डर पर राइट क्लिक करके पेज को ऐड करना पड़ेगा। वेब फॉर्म विद मास्टर पेज पेज टीचर सब्जेक्ट। ओके, अभी हमें यहाँ पे मास्टर पेज कौन सा है सेलेक्ट करना है, एडमिन मास्टर। ओके, हमारा पेज है ये क्रिएट हो गया है। तो अभी पेज के डिज़ाइन में हमें क्या चाहिए, बेसिकली पेज क्या है, जहाँ पे हम टीचर्स को सब्जेक्ट असाइन करेंगे, मीन्स वहाँ पे अभी पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि टीचर कौन सी क्लास की है। तो यहाँ पे क्लास ड्रॉप डाउन चाहिए, जिसमें से सभी क्लास जो उसमें डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, फिर क्लास सेलेक्ट करने के बाद में उस क्लास में कितने सब्जेक्ट्स हैं, तो सब्जेक्ट्स के लिए भी आना चाहिए, तो उसके लिए भी एक ड्रॉप डाउन चाहिए वहाँ पे। फिर सब्जेक्ट जैसे मैं ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट किया, तब तो उसके बाद में जितने टीचर्स हैं सभी टीचर्स को भी हमको ड्रॉप डाउन में डिस्प्ले करना है। फिर वहाँ पर ड्रॉप डाउन में मैं टीचर सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं सेव कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली मुझे 3 ड्रॉप डाउन चाहिए, जिसमें से एक क्लास के लिए होगा, सेकेंड सब्जेक्ट के लिए होगा और थर्ड टीचर के लिए होगा। ठीक है, तो मैं कोड को कॉपी करता हूँ। अभी ड्रॉप डाउन जैसे क्लास और सब्जेक्ट चाहिए, तो जब भी मैं सब्जेक्ट ऐड कर रहा था उस पेज में, ड्रॉप डाउन मुझे मिल जाएगा दोनों भी, तो मैं वहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। मैं कॉपी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं। तो अभी हमें यहाँ पे लाइक क्लास मिला है ड्रॉप डाउन, ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट का टेक्स्ट बॉक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में हमको ड्रॉप डाउन चाहिए सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, वो भी करते हैं हम लोग। तो पहले सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ये करते हैं, ऐड टीचर सब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद में क्लास तो मैं यहाँ पे इसका ओके सर। ठीक है, यहाँ पे और एक प्रॉपर्टी है जो ड्रॉप डाउन में लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि जैसे ही हम ये क्लास चेंज करेंगे, ठीक है, जैसे कि अभी क्लास फर्स्ट है तो उसके अंदर सब्जेक्ट से वो डिस्प्ले हो रहा है, तो जैसे क्लास सेकेंड सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है इसमें चेंज होना चाहिए
सब्जेक्ट में, ड्रॉप डाउन का सब्जेक्ट में चेंज हो जाना चाहिए। तो उसके लिए प्रॉपर्टी है ऑटो पोस्ट बैक ट्रू, ऑटो पोस्ट बैक तो उसको ट्रू करना है, ताकि जो है जैसे हम ड्रॉप डाउन का वैल्यू जो आइटम है वो चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है ना रिक्वेस्ट जाना चाहिए, पोस्ट रिक्वेस्ट जाना चाहिए सर्वर पर, ठीक है। और इसके बाद में इसका इवेंट भी हमें जनरेट करना है कि जैसे अभी इसका वैल्यू जो है ड्रॉप डाउन का वैल्यू क्लास का, हम जैसे पेज लोड होगा वैसे ही हमें डिस्प्ले करवाना है सभी क्लासेस ड्रॉप डाउन में, बट जो सब्जेक्ट का ड्रॉप डाउन रहेगा उसमें हम लोग पहले ही वैल्यू डिस्प्ले नहीं करवाएंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या होना चाहिए कौन सा सब्जेक्ट को वहाँ पर डिस्प्ले करना है ड्रॉप डाउन में, जिसके बेसिस पे जो जो क्लास सिलेक्टेड उसके बेसिस पे हमें वहाँ पे शो करना है, राइट। तो क्लास हमारा तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम सिलेक्ट होगा ही नहीं ना, क्योंकि हम लोग को वहाँ पे पहले ये आएगा कि सिलेक्ट क्लास बोल कर ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। सिलेक्ट क्लास बोल के ड्रॉप डाउन में ऑप्शन मिलेगा, तो अभी ये कोई क्लास तो है नहीं, इसके लिए सब्जेक्ट में भी कोई वैल्यू वहाँ पे सिलेक्टेड नहीं होना चाहिए और ना ही कोई डिस्प्ले होना चाहिए। तो जैसे हम क्लास से यहाँ पे कोई सिलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन में, तो उस क्लास के बेस पे वहाँ पे सब्जेक्ट उसके और उस क्लास के सभी सब्जेक्ट ड्रॉप डाउन में दिखने चाहिए, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे उसका ये इवेंट जनरेट करना पड़ेगा, जैसे कि इसका इवेंट चेंज ये होगा, आइटम चेंज होगा, सिलेक्टेड चेंज होगा, जैसे हम क्लास का आइटम चेंज कर रहे हैं, जैसे कि भी पहले कुछ सिलेक्टेड नहीं था अभी मैं कुछ सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो उसके सिलेक्ट पे मुझे इवेंट जनरेट करना है, मीन्स सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज इवेंट है इसका क्लास का, वो हमें यहाँ पे लेना है, ठीक है। तो वो कैसे लेना है मैं बता देता हूँ, डिजाइन में जाते हैं, कुछ एरर है मास्टर पेज में, मास्टर पेज एरर है, द पेज कंटेंट मार्क में जाते हैं, ओके मैंने ये भी कॉपी कर लिया था, इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तब भी ओके रहेगा, हमने डिजाइन में जाता हूँ मैं, और हमें भी कौन सा ये सिलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन, जो क्लास का ड्रॉप डाउन है उसको सिलेक्ट करना है, और इसके यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाना है, प्रॉपर्टीज में यहाँ पे इवेंट में सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज ये है इवेंट, ठीक है, डबल क्लिक करना है इस पर, इसका इवेंट जनरेट हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। और बाकी का डिजाइन पार्ट पे काम कर लेते हैं अभी, इसको नीचे कर देते हैं, यहाँ पे भी हमें सब्जेक्ट का ड्रॉप डाउन चाहिए, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट। और अभी हमें चाहिए क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है तो ड्रॉप डाउन का डिटेल सब्जेक्ट ये आईडी कर दिया के यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, प्लस यहाँ पे जहाँ पे ये करेंगे इसका कंट्रोल टू वैलिडेट यहाँ पे चेंज करना है। उसके बाद में हमें इसका इवेंट नहीं चाहिए यहाँ पे सिलेक्टेड इंडेक्स का, इसको रिमूव कर देता हूँ मैं, और ना ही मुझे इसमें ये चाहिए ऑटो पोस्ट बैक, ठीक है। और यहाँ पे हमें ये करना पड़ेगा, सिलेक्ट क्लास के बदले में सिलेक्ट सब्जेक्ट लेना है, ओके ठीक है। तो इसके बाद में हमें और एक लेना है जिसमें ये सिर्फ ये हमें टीचर्स का ड्रॉप डाउन में शो करना है टीचर्स को, ठीक है।
तो मैं और एक ये लेता हूँ ड्रॉप डाउन, तो मैं इसको ही कॉपी करता हूँ। पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं सब्जेक्ट के बदले में टीचर लेता हूँ। कॉपी, और यहाँ पे लाइक सिलेक्ट टीचर आएगा तो यहाँ पे चेंज करता हूँ सिलेक्ट टीचर। यहाँ पे क्लास नहीं और ये टीचर इज रिक्वायर्ड है, जैसे यहाँ पे भी क्लास नहीं हुआ तो इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड, सही यही हो गया। और अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे है लाइक आईडी चेंज करना है ड्रॉप डाउन का, रेडियल टीचर कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे लेबल का आईडी का यहाँ पे फॉर चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे जो वैलिडेट करना है कंट्रोल वैलिडेट वो भी चेंज कर देता हूँ, तो भी टीचर को वैलिडेट करेगा ये ड्रॉप डाउन। और उसके बाद मैं अभी यहाँ पे इनिशियल वैल्यू सब दे दिया, टीचर रिक्वायर्ड है, ठीक है। ठीक है, तभी इसका बटन क्लिक का जो है btn ऐड क्लिक, ठीक है, इसका टेक्स्ट चेंज करते हैं, ऐड सब्जेक्ट के बदले में यहाँ पे ऐड क्या देते हैं, यहाँ पे असाइन सब्जेक्ट वही देते हैं, तो सब्जेक्ट है असाइन, असाइन सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसका इवेंट क्लिक करना है बटन क्लिक का, तो कर लेते हैं, डबल क्लिक करेंगे इस पे बटन पे तो इसका इवेंट जनरेट हो जाएगा बटन क्लिक का, ठीक है, ये हो गया जनरेट। और अभी इस पे आते हैं ग्रिड व्यू पे जहाँ पे हमें शो करना है, और फिलहाल हमें यहाँ पे ड्रॉप डाउन चाहिए क्लास के लिए, ठीक है, जिसमें हम क्लास सिलेक्ट कर सके एडिट मोड में, तो ये तो है यहाँ पर। और डेटा सोर्स चाहिए जिसके अंदर डेटा लेके वो बाइंड करें इसके अंदर, तो ये भी है इसके अंदर, इसको न्यू लाइन में ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी क्या करना है, जैसे कि क्लास के लिए हो गए और हमें अभी क्या चाहिए, अभी और सब्जेक्ट के लिए चाहिए जो कि वो भी ड्रॉप डाउन होना चाहिए, ठीक है, तो हमें उसका चेंज करना है। फिर इसके बाद में हमें और एक कॉलम लेना है जो टीचर रहेगा, तो टीचर को भी हमको ड्रॉप डाउन में डिस्प्ले करना है, राइट, क्योंकि एडिट करने जब जाएंगे तो वहाँ पर कौन सा क्लास है, क्लास के बेसिस पे सब्जेक्ट चेंज होगा, फिर सब्जेक्ट चेंज किए तो अभी कौन सा टीचर को असाइन करना है वो सब्जेक्ट, ठीक है, तो वहाँ पर ड्रॉप डाउन में सभी टीचर्स को भी डिस्प्ले करना रहेगा, तो इसके लिए हमें यहाँ पर और एक कॉलम लेना है जो कि ड्रॉप डाउन ले रहेगा। बट पहले ये कर लेते हैं कि जो ये सब्जेक्ट है तो इसके लिए यहाँ पर ड्रॉप डाउन ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, जैसे कि ये यहाँ पे है इसके लिए, क्लास का ड्रॉप डाउन कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अभी इसमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, अभी हमने यहाँ पे डेटा सोर्स तो लिए नहीं है इसके लिए, इस कंट्रोल के लिए, तो सबसे पहला ये सब निकाल देते हैं यहाँ तक, ठीक है, इसको मैं निकाल देता हूँ। यहाँ पे आईडी चेंज करना है क्योंकि यहाँ पे क्या पहले ड्रॉप डाउन वन था इसके लिए, तो यहाँ पे सेम आईडी तो प्रॉब्लम होगा, इसको ड्रॉप डाउन टू कर देता हूँ या फिर इसका आईडी चेंज कर देता हूँ, दोनों का आईडी का मैं यहाँ पे, जैसे कि लाइक इसका DDL और क्लास है, क्लास दे देता हूँ, बट ये इसका कर देते हैं, इसका ग्रिड व्यू का है तो इसलिए GV ग्रिड व्यू हो गया, ठीक है। तो वैसे ही मैं इसका भी देता हूँ, मैं इस ड्रॉप डाउन का भी चेंज करता हूँ, मैं TDL सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ग्रिड व्यू का GV, ठीक है, ये हो गए। और यहाँ पे क्लास आईडी नहीं चाहिए मुझे, सिलेक्टेड चाहिए, ओएस सब्जेक्ट नेम चाहिए,
कॉपी कर लेता हूँ और इधर पेज कर लेता हूँ। बट यहाँ पे नहीं चाहिए, लाइक ये हम वहाँ पे क्वेरी में, बैकएंड क्वेरी में देख लेंगे डॉट सी एस पेज पे, यहाँ पे से इसको रिमूव कर देते हैं ठीक है। क्योंकि इसको क्या होगा, हम लोग डायनेमिकली बाइंड होगा डेटा है ना, जैसे कि कौन सा क्लास चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका सब्जेक्ट का भी सब चेंज होगा आइटम्स। ये क्यों दिखा रहा है, बताए कुछ प्रॉब्लम है क्या? ओके इसका क्लोजिंग नहीं है ड्रॉपडाउन का, तो क्लोजिंग ले लेते हैं ठीक है। अब इसका एरर गया ये वाला, तो हमारे पास में अभी दो कॉलम्स होगा दोनों के, ये ड्रॉपडाउन ले लिए और इसके बाद में हमें और कॉलम लेना है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ क्लास वाले कॉलम को यहाँ तक के कॉपी करता हूँ मैं, और कहाँ पे पेस्ट करना है सब्जेक्ट कॉलम के बाद में, सब्जेक्ट कॉलम यहाँ पे एंड हो रहा है, इसके बाद में मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। चाहिए तो मैं इसको लाइक सेपरेट कर देता हूँ मैं, ताकि मुझे इजी पड़ जाए कि कौन सा कॉलम कहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए ठीक है। यहाँ पे मेरा क्लास कॉलम चालू हो रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट और यहाँ पे ये चेंज करते हैं इसको, देखते हैं टीचर, टीचर कॉलम है और ये कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो उसको भी मैं यहाँ से सबमिट कर देता हूँ स्पेस देके ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमको चेंज करना है, जैसे कि ये क्लास के लिए है और मैं डालना है रेडियल टीचर, टीचर ग्रेड भी ठीक है, और यहाँ पे हैं तो यहाँ पे जो क्लास आईडी है, तो वैसे हमें यहाँ पे टीचर आईडी लेना है जो कि टीचर टेबल में मिलता है ठीक है। क्योंकि हमें जो यहाँ पे वैल्यू डिस्प्ले करना रहेगा वो हमें यहाँ पे अभी जैसे क्लास से डिस्प्ले हो रहा था पहले, तो क्लास में यूनिक आईडी जो था उसका क्लास आईडी था, अभी वैसे हमें यहाँ पे ये टीचर से लेना है टीचर टेबल से, तो उसका क्लास जो यूनिक आईडी रहेगा टीचर आईडी रहेगा ठीक है। तो अभी पहले हम डेटा सोर्स का वैल्यू जो है चेंज कर लेते हैं, तो उसके लिए हम जाते हैं डिज़ाइन पेज पे, और डिज़ाइन पेज में अभी हमको यहाँ पे जो ये डेटा सोर्स है वो हमको सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा नहीं, जिसके लिए हमें यहाँ पे जाना है स्मार्ट टैग में और यहाँ पे एडिट कॉलम में जाना है, नहीं एडिट कॉलम में नहीं, एडिट टेम्पलेट में जाना है। तो अभी टेम्पलेट में यहाँ पे लाइक इसको अगर हम ऊपर सेलेक्ट करते हैं तो मुझे यहाँ पे क्लास का सब कुछ यहाँ पे मिल जा रहा है, तो हमें क्लास का नहीं चाहिए, तो हमें कौन सा चाहिए, लास्ट कॉलम चाहिए जो कि टीचर का है। तो अगर टीचर का सिलेक्ट करते हैं कि यहाँ पे टीचर का कॉलम सिलेक्टेड हो गया दिख रहा है ठीक है। अभी यहाँ पे हमें किस पे काम करना है, सिक्वल डेटा सोर्स पे, सिक्वल डेटा सोर्स हमें यहाँ पे दिख रहा है, इसको क्लिक करना है और इसके स्मार्ट टैग पे जाना है और यहाँ पे कॉन्फिगर डेटा सोर्स करना है, और यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग हमारा है वही है, तो हम कनेक्शन स्ट्रिंग चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमें यहाँ पे जो उसके अंदर टेबल है वो टेबल चेंज करना है, जहाँ से वैल्यू ये लेगा, क्लास टेबल था पहले, हमें क्या लेना है यहाँ पे टीचर ठीक है, टीचर लेना है। तो टीचर में यहाँ पे क्या क्या है, लाइक हमें सब कुछ तो नहीं चाहिए यहाँ पे, बस टीचर आईडी चाहिए रहेगा और टीचर नेम चाहिए रहेगा, ठीक है। अगर और भी चाहिए लाइक पूरा करेंगे तो भी कोई इशू नहीं, स्टार पे कर देना तो बड़ा सब कॉलम सेलेक्टेड रहेगा, बट लाइक कोई यूज़ में नहीं होगा, सिर्फ यूज़ जो होगा सिर्फ दो ही चीज़ होगा ना, यहाँ पे दो कॉलम टीचर आईडी और टीचर नेम, बस यही वहाँ पे यूज होने वाला है। तो मैं इसलिए यही सीधा लेता हूँ मैं टीचर आईडी नेम फ्रॉम टेबल टीचर ठीक है। नेक्स्ट करते हैं और उसका क्वेरी टेस्ट कर लेते हैं, राइट है कि नहीं, हाँ टेस्ट हो रहा है ठीक है, मैं फिनिश कर देता हूँ मैं ठीक है। अभी ये हो गया है और इसको मैं एंड कर देता हूँ यहाँ से एंड टेम्पलेट एडिटिंग। तो अभी सोर्स में देखते हैं हम लोग, यहाँ पे इसका डेटा सोर्स है चेंज हो गया है ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि इसका जो है यहाँ पे सिलेक्टेड वैल्यू में टीचर आईडी तुमको बाइंड करना पड़ेगा, और सिलेक्टेड वैल्यू है ये क्यों करते हैं कि लाइक
एडिट करते वक्त कौन सा टीचर सिलेक्टेड था, तो वो वहाँ पे शो होना चाहिए ड्रॉप डाउन में, राइट। उसके लिए ये प्रॉपर्टी है, ओके। बट यहाँ पे सिक्योर डेटा सोर्स वन है, जो कि लाइक पहले भी यहाँ पे यूज हुआ है, क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट की है, तो ये सेम आईडी भी उसका आ गया। तो हमें इसका आईडी चेंज करना है, यहाँ पे इसको देते हैं टू। एक्चुअली ये आईडी चेंज होता है ऑटोमेटिक, लेकिन अभी क्या होता है यहाँ पे ये ग्रिड व्यू के अंदर है, तो ये अलग ये कर नहीं पा रहा, ऑटोमेटिक चेंज नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैम यहाँ पे मैन्युअली चेंज करना पड़ रहा है आईडी को, ओके। तो यहाँ पे भी हमें लाइक ये चेंज करना है, जैसे कि यहाँ पे टीचर आईडी है, तो वैसे यहाँ पे डेटा वैल्यू फील्ड में हमको ये लेना है, टीचर आईडी लेना है, और यहाँ पे हमें जो डिस्प्ले करना है टेक्स्ट जो ड्रॉप डाउन का, वो है सिर्फ नेम। जैसे कि यहाँ पे पता ही होगा, दो ही कॉलम हमें लेना है जो ली है डिस्प्ले करेंगे, एक टीचर आईडी है जो कि वैल्यू है, तो इसलिए वैल्यू फील्ड में हम लोग ये टीचर आईडी पास किए हैं, और दूसरा जो डिस्प्ले कराना है नेम, जो यूजर को टीचर्स का नेम दिखेगा, राइट। तो उसके लिए नेम कॉलम नेम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड में उस कॉलम नेम को पास करना है, ठीक है। हम यहाँ से भी कर सकते हैं, प्लस अगर हम डिजाइन में चाहें वहाँ पर जाके ये इसको वहाँ से भी कर सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ, मैं स्मार्ट टैग में जाते हैं और एडिट टेम्पलेट में जाके हमारा जो है ये क्लास सिलेक्टेड है, हमको कौन सा चाहिए टीचर वाला चाहिए, तो टीचर में जाते हैं, तो यहाँ पे हमको ये मिल रहा है ऑप्शन ड्रॉप डाउन का, इसको हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना रहेगा। स्मार्ट टैग में जाते हैं और यहाँ पे एडिट डेटा बाइंडिंग्स में जाते हैं, क्योंकि तो हमें डेटा बाइंडिंग जो है चाहिए वो वहाँ पे, तो सिलेक्टेड वैल्यू में क्या सिलेक्टेड रहना चाहिए, टीचर आईडी, ठीक है। तो ये हो गया है, और लाइक उसके बाद में एडिट आइटम्स में, एडिट आइटम्स में लाइक यहाँ पे नहीं है, कहाँ पे ऑप्शन मिलता है उसका, चूज डेटा सोर्स, कॉन्फिगर डेटा सोर्स, हाँ यहाँ पे चूज डेटा सोर्स में हमको मिल जाएगा ऑप्शन। यहाँ पे हमारा सेकेंड डेटा सोर्स जो है वो है चाहिए यहाँ पे, हाँ यहाँ पे जो है जो डेटा फील्ड है जो है डिस्प्ले करने के लिए कॉलम, तो क्या डिस्प्ले करेंगे, टीचर का एडिट डिस्प्ले नहीं करेंगे, टीचर नेम ही डिस्प्ले करेंगे, तो कॉलम का नेम है उस नाम क्या है वो नेम कॉलम, ठीक है। यहाँ पे इसको नेम सेलेक्ट करते हैं, और दूसरा जो है लाइक जो उसका वैल्यू है, मीन्स कौन सा टीचर सिलेक्ट हुआ है, तो उसका आईडी हमें ये वैल्यू मिलता है उसका, तो इसके लिए यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ पे उसके लिए हमें टीचर आईडी पास करना रहता है, ठीक है। ओके, तो ऐसे ही है सिलेक्ट करना है, उसके बाद में भी इसको लाइक टेम्पलेट कर देते हैं एंड एडिटिंग। तो अभी ये सब पार्ट हो गया है, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जैसे कि ऑटो पोज पर जाना चाहिए, जैसे कि ऑटो पोज बताया मैंने कि क्या करता है कि जैसे ही इसका आइटम क्लास का आइटम चेंज होगा, क्लास नेम चेंज होगा, सिलेक्ट कर रहे हम लोग, तो जैसे ही चेंज करते हैं हम लोग, वैसे क्या होगा ऑटोमेटिक ये सर्वर पर रिक्वेस्ट जाना चाहिए, ठीक है। पोस्ट सर्वर ये जाना चाहिए, पोस्ट रिक्वेस्ट सर्वर पर, क्यों, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना रहेगा, जो हमारा सब्जेक्ट वाला ड्रॉप डाउन है ना वो चेंज करवाना रहेगा। तो इसके लिए यहाँ पे हमें और एक प्रॉपर्टी लेना पड़ेगा, जो कि ऑटो पोस्ट पर ट्रू है वो वाला है, ऑटो पोस्ट पे ट्रू, सेव, सेव नहीं हुआ, सेव। ठीक है, सेव हो गया, ओके। तो यहाँ पे ये सब है, क्लास नेम वगैरह है, आईडी सिलेक्टेड है, ठीक है, और ऑटो पोस्ट पर टू भी है, और यहाँ पे लाइक ये हमें ऐड करना है कि यहाँ पे जो एक स्टार्टिंग में आना चाहिए ना सिलेक्ट क्लास बोलकर, क्योंकि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके पहले क्या करते थे, ड्रॉप डाउन को हम लोग
ये डॉट सी एस क्लास से बाइंड करते थे, और वहाँ पे हम लोग देते थे जीरो इंडेक्स पे सिलेक्ट क्लास ऐड करने का ऑप्शन, राइट। बट यहाँ पे इस केस में हम लोग यहाँ पे इसको डेटा बाइंड करते रहे सिक्वल डेटा सोर्स से, ठीक है। वहाँ से एक क्वेरी लेके आ रहा है टेबल से, और ये यहाँ पे इसको बाइंड कर रहा है, ठीक है। तभी हम लोग यहाँ पे भी तो चाहिए ना सिलेक्ट क्लास बोल कर ऑप्शन, तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे ऐड करना है। हम लोग यहाँ पे कोड के थ्रू भी कर सकते हैं या फिर डिज़ाइन में जाके वहाँ से भी कर सकते हैं। तो मैं डिज़ाइन वाला पार्ट दिखा देता हूँ, मैं कोड तो ऑटोमेटिक जनरेट हो गई, वो भी दिखा दूंगा मैं। तो यहाँ पे एडिट टेम्पलेट में जाते हैं, एडिट टेम्पलेट में जाते हैं, और इसको ये कौन सा है, हमको क्लास वाला ही चाहिए था तो क्लास वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमको इसमें ड्रॉप डाउन में ऐड करना है, इसके लिए ड्रॉप डाउन का स्मार्ट टैग में जाते हैं, और यहाँ पे हमको एडिट आइटम में जाना है क्योंकि हमें आइटम ऐड करना है। तो यहाँ पे ऐड करते हैं, और जो टेक्स्ट यहाँ पे पास करना है सिलेक्ट क्लास, और बस इसको ओके करना है। ओके हो गया, कुछ चेक करेंगे सोर्स में, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, एक लिस्ट आइटम ऐड हो गया है जो कि सिलेक्ट क्लास बोलकर है। तो ये हो गया क्लास के लिए। बाकी जो है सब्जेक्ट का हम सी एस कोड में से लेंगे, और टीचर का जो है यहाँ पे टीचर ठीक है। तो ये हो गया पार्ट, और अभी इसका जो है हम लोग सी एस पेज में जो सब करना है कोडिंग, उस पर आते हैं जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा ये वाला पार्ट इसमें, इस वीडियो में, ठीक है। बट देखते हैं, मैं ट्राई करूँगा जितना इजी वे में इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं करूँगा, ठीक है। तो अभी लाइक इसका जो ये चाहिए हमको, तो कॉपी करते हैं उसके लिए भी टीचर सब्जेक्ट, और क्या है अभी लास्ट में हमने कौन सा चेक किए थे, नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी क्लास फीस का ही है या फिर सब्जेक्ट का है, चलो सब्जेक्ट का ही लेते हैं यहाँ से हैं। चलो तो ये कॉपी कर लेते हैं, ये चाहिए है मुझे। ओके, हमारा जो है ये पेस्ट का ये कर दूँ ऐड नेम स्पेस, ठीक है। तो अभी हमें ये करना है लाइक क्लास का, तो ड्रॉप डाउन में हम लोग वहाँ पे ही डिज़ाइन पेज में ही उसका ये डेटा शो कर दे रहे हैं वहाँ से ही, और जो दूसरा था अभी ये इसका चेंज इसका करना है ना, लाइक पहले क्या इसका एक ये ले लेते हैं, फंक्शन ले लेते हैं जो कि ग्रिड व्यू में डेटा शो होगा, तो उसके लिए एक फंक्शन ले लेते हैं पहला, फंक्शन मैं इसके बाद ले लेता हूँ मैं। बट अभी हम लोग यहाँ पे डिज़ाइन में ये भी तो ले रहे हैं वहाँ पे ड्रॉप डाउन क्लास का सब्जेक्ट का ये सब भी, तो उसका भी हमें यहाँ पे लाइक क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। तो ये करते हैं, सबसे पहले है सब्जेक्ट में हमको क्लास का शायद मिल जाएगा, ये रहा क्लास का कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ इसके बाद ही। डेटा टेबल का नेम स्पेस जो है वो कर लेता हूँ मैं इंपोर्ट, ठीक है। तो क्लास मिल गया, अभी हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो इसको ही मैं वापस से पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे इसको चेंज करते हैं गेट क्लास से गेट गेट सब्जेक्ट सब्जेक्ट, और यहाँ पे लाइक टेबल नेम भी सब्जेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे सब्जेक्ट में कॉलम नेम क्या है चेक कर लेते हैं एक बार, सब्जेक्ट में डबल क्लिक करते हैं इस पे, इसका कॉलम मुझे मिल जाएगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आईडी है, ओके सब्जेक्ट आईडी फिर सब्जेक्ट नेम है, ठीक है।
यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ स्ट्रक्चर को, और यहाँ पे चेंज करता हूँ क्लास को, देते हैं पूरा नहीं चाहिए, सब्जेक्ट नेम हो गया वैसे ही क्लास निकाल के सब्जेक्ट आईडी हो गई है, और यहाँ पे हमको सब्जेक्ट चाहिए ठीक है। बट यहाँ पे हमको ये भी चाहिए ना, क्लास आईडी भी चेंज करना है टॉप डाउन, ये नहीं चाहिए, तो यहाँ पे सब्जेक्ट का चाहिए, तो मैं एक साथ में चेंज कर देता हूँ वो कैसे करना है। यहाँ पे क्लिक किया ठीक है, उसके बाद में शिफ्ट और एल्ट दोनों साथ में प्रेस किया, अब उसके साथ में डाउन एरो प्रेस कर रहा हूँ मैं, ये हो गया नीचे तो पूरा सिलेक्ट हो गया। अब मैं इसको कर रहा हूँ शिफ्ट कंट्रोल और राइट एरो प्रेस किया, सिलेक्ट हो गया। अब मैं इसको बैक स्पेस करता हूँ, ये रिमूव हो गया। अब मुझे टाइप करना है इसका डी डी एल सब्जेक्ट के लिए, तो डी डी एल SUBJECT डी डी एल सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट आईडी है मेरे पास में ठीक है, इसलिए कोई एरर नहीं दिया। तो एक साथ में पूरा आईडी मैंने चेंज भी कर दिया, हो गया ओके। तभी ये पार्ट हो गया है, लाइक क्लास भी हम लोग कर लिए हैं, सब्जेक्ट भी ऐड कर लिए हैं। बट हमें सब्जेक्ट तो पहले डिस्प्ले करवाना नहीं है, क्लास से डिस्प्ले करवाना है, जैसे ही चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे सब्जेक्ट का कोडिंग करना था ठीक है। कोई नहीं, उसमें कोड कॉपी पेस्ट कर लेंगे उसमें। तो यहाँ पे कलर में स्ट्रिंग ये लेता हूँ, स्ट्रिंग वेरिएबल लेता हूँ मैं, जिसमें मैं ये चेक करूँगा कि मेरा जो है ये कौन सा क्लास सिलेक्टेड है, उसका वैल्यू पहले फेच करना पड़ेगा राइट। तो पहले उसको फेच कर लेते हैं क्लास आईडी में वेरिएबल में, और कौन सा ड्रॉप डाउन डी डी एल क्लास डॉट सिलेक्टेड वैल्यू, जिसमें हमें क्लास आईडी मिल जाएगा ठीक है। अभी हमको क्या करना है, ये उसका क्वेरी पास करना है जो कि फेच करके लाएगा। तो मैं इसको ही कॉपी कर देता हूँ पूरा, यहाँ से यहाँ तक जो है कट कर देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और अभी यहाँ पे लाइक अभी क्या करना है, यहाँ पे वेयर कंडीशन भी पास करना है, क्योंकि उनको यहाँ पे क्लास आईडी के बेस पे सब्जेक्ट डिस्प्ले करना है राइट। तो इसके लिए यहाँ पे वेयर क्लास आईडी इक्वल्स टू सिंगल कोट डबल कोट प्लस, इसके अंदर जो क्लास आईडी है वेरिएबल उसको लेना है ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेरी भी, और उसके बेस पे हमको मिल जाएगा और उसमें बाइंड हो जाएगा ठीक है। तो ये सब ओके ओके, तो ये फंक्शन हमें रिमूव कर दे देना है। तो अभी हमको जो ये करना है पेज लोड पे क्लास ड्रॉप डाउन फिल करना है, क्लास ड्रॉप डाउन जैसे चेंज होगा हमें सब्जेक्ट का भी ड्रॉप डाउन फिल करवाना है। इसके लिए क्लास के ड्रॉप डाउन के सिलेक्टेड चेंज इवेंट में हमको ये वाला ये सब करना है कोड, ताकि जैसे ही ये ड्रॉप डाउन का इवेंट चेंज हो, क्लास का इवेंट चेंज हो, सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज हो इवेंट, तो उसमें ये हमको कोड के क्या होगा, इससे जो ड्रॉप डाउन सब्जेक्ट का है उसको डेटा मिल जाएगा, बाइंड हो जाएगा ठीक है। अभी क्या करना है हमको, ये चाहिए एक फंक्शन चाहिए जिसमें हम लोग ये ग्रिड व्यू को बाइंड कर सके। बट अभी ये बाकी है लाइक टीचर का ड्रॉप डाउन बाकी है राइट, तो उसमें भी हमको करना है ना ये बाइंड करना है। तो अभी तो टीचर तो लाइक कुछ फिक्स है नहीं कि इसके बेसिस पे टीचर डिस्प्ले करना है, हमें सभी टीचर्स को यहाँ पर डिस्प्ले करवाना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे फंक्शन लेना पड़ेगा जिसके लिए हम लोग टीचर्स को डिस्प्ले करेंगे ठीक है। तो मैं इस फंक्शन में जो है गेट क्लास, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ मैं, और इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ मैं पेस्ट।
और यहाँ पे अगर क्लास के बदले में गेट टीचर कर देता हूँ मैं, गेट टीचर। यहाँ पे लाइक कॉपी कर लेता हूँ टीचर को, क्योंकि मुझे वो पेस्ट करना रहेगा। यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे भी पेस्ट करना है। और DDL टीचर है ना, उसका आईडी इस सब्जेक्ट टीचर, DDL टीचर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोड पेश करता हूँ मैं, तो यहाँ पे क्लास किधर सी है, यहाँ पे मैं कर्सर रखा हूँ मैं और शिफ्ट एल प्रेस करता हूँ और डाउन एरो, ये जहाँ तक है क्लास का सभी मैं कॉपी यहाँ पे कर लिया हूँ। अभी मैं ये करता हूँ शिफ्ट और कंट्रोल और फिर राइट एरो कर रहा हूँ मैं, ये हो गया मेरा सिलेक्टेड। अब मैं पेश कर देता हूँ, मेरा जो यहाँ पे पेश हो जाएगा टीचर, ठीक है। तो DDL टीचर एक साथ से चेंजेस हो गए हैं। और यहाँ पे मुझे ये करना है आईडी पेश करना है, तो क्लास आईडी के बदले टीचर आईडी है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। बट यहाँ पे कॉलम नेम जो है, नेम जो डिस्प्ले करना है वो देखना है मुझे, डेटाबेस में चेक कर लेता हूँ टीचर टेबल में। तो टीचर आ गया, इधर मैं उसको क्लोज कर देता हूँ। टीचर नीचे इसमें क्या है, नेम है, ओके कॉलम नेम जो है नेम है, तो मैं उसको रिमूव करता हूँ क्लास यहाँ से, सिर्फ नेम चाहिए। तो पूरा सिलेक्ट हो गया, रिमूव, ठीक है। तो ये हो गया इसका टीचर का। अभी हमें ये लेना है ड्रॉप डाउन वाला, सॉरी ग्रिड व्यू का फंक्शन, जो मैं वहाँ पे ग्रिड व्यू में सब शो करना रहेगा। तो ग्रिड व्यू में क्या शो करेंगे हम, टीचर सब्जेक्ट वगैरह शो करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे जो फंक्शन नेम बनाएंगे गेट टीचर सब्जेक्ट, तो उसके लिए हम लोग पिछला में से कॉपी कर लेते हैं, ये बाइंड करने के लिए ये अलग फंक्शन है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमको नाम चेंज करना है, गेट टीचर सब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे हमको क्या करना है, अभी क्वेरी हमारा चेंज करना है, तो वो यहाँ पे क्वेरी काफ़ी बड़ा होगा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक न्यू क्वेरी ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे क्वेरी फॉर्म करता हूँ मेरा। तो बेसिकली मैं क्या चाहिए, कहाँ पे से चाहिए, पहले तो ये टीचर सब्जेक्ट में से हम ले रहे हैं राइट, तो लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, टीचर टेबल, टीचर सब्जेक्ट ये हमारा है। तो मैं उसको रन करूँ, फिलहाल तो ये एम्प्टी, इसमें कोई डेटा नहीं है, ठीक है। तो हमें ये क्वेरी चाहिए और इसमें सभी क्या चाहिए, मैं लाइक सभी कॉलम तो नहीं चाहिए, भी ना चाहिए तो है, सभी चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे ये जो इसका मेन आईडी है ग्रिड व्यू में वहाँ पे चाहिए। ओके हम लोग यहाँ पे आईडी चेंज नहीं किए ग्रिड व्यू में, डिज़ाइन पेज में यहाँ पे जो होता है ग्रिड व्यू कहाँ है, जैसे नीचे है मेरा ग्रिड व्यू और इसका कहाँ गया डेटा की नेम, यहाँ पे ऐसे शो नहीं हो रहा, उसको नीचे कर लेता हूँ इधर, और उसको इधर ले लिया, ठीक है अभी शो हो रहा है। तो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट आईडी तो ये नहीं है, हमें यहाँ पे टीचर आईडी चाहिए, टीचर आईडी, क्योंकि और सॉरी ये भी नहीं चाहिए हमें, हमें यहाँ पे इस टेबल का चाहिए, जो कि इस टेबल पे हम लोग कर रहे हैं टीचर सब्जेक्ट ना। तो यहाँ पे कॉलम नेम क्या है, आईडी है, तो हमें यहाँ पे सिर्फ आईडी पास करना रहेगा, बाकी रिमूव करना है। ओके Thank you.
इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, अभी ये मैं ये अलग पार्ट पे कॉपी कर लेता हूँ, कहाँ तक, सीरियल नंबर तक। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ मैं पेस्ट। फिर हमें क्या चाहिए, स्टार्ट नेम चाहिए, हमें मैनुअल खुद का ये कॉलम नेम वगैरह सब चाहिए। ठीक है, तो लाइक पहले से सिलेक्ट है उसमें, जो मैं ये वाला सिलेक्ट निकाल देता हूँ मैं। ठीक है, सिलेक्ट रो ऑर्डर बाय सिलेक्ट वन, हमें यहाँ पे सीरियल नंबर मिल जाएगा। ओके, तो ये सब्जेक्ट टेबल से मिल रहा है। और हमें क्या चाहिए, और लाइक अभी टीचर सब्जेक्ट, इसमें क्या क्या कॉलम है, क्लास आईडी है, तो मैं क्लास का नेम भी लेना है, सब्जेक्ट टेब सब्जेक्ट आईडी है तो सब्जेक्ट का नेम भी लेना है। तो ये सब जो नेम्स कहाँ से मिलेगा, इसके रेस्पेक्टिव टेबल्स मिलेगा। क्लास का जो आईडी है तो ये इसका नेम क्लास टेबल्स मिलेगा, सब्जेक्ट का जो नेम है सब्जेक्ट टेबल्स मिलेगा। तो मैं इसके यहाँ पे ना इसको इनर ज्वाइन करना पड़ेगा दोनों टेबल से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ अभी ये इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन पहला क्लास से करते हैं। ठीक है, क्योंकि मेन पहला क्लास टेबल है फिर सब्जेक्ट टेबल है, तो क्लास इनर ज्वाइन टेबल नेम जो है क्लास डालते हैं, और इसका एलएस देते हैं सी। और ये है कंडीशन देना ना ऑन, किस पे ऑन, कौन सा टेबल नेम, वो टेबल नेम आएगा किस टेबल पे कर रहे हैं हम लोग ये। किस टेबल का जो ये कर रहे हैं उसमें कौन सा टेबल है, टीचर सब्जेक्ट, तो यहाँ पे भी एलएस देते हैं हम लोग। टीचर सब्जेक्ट तो मैं इसका एलएस देता हूँ टीएस। ठीक है, तो यहाँ पे ऑन टीएस डॉट टीएस का जो है क्लास आईडी उस पे करना है, इक्वल्स टू क्लास के कौन से कॉलम पे करना है, क्लास आईडी पे करना है। ओके, तो अभी जो हमें एक हो गया इनर ज्वाइन, दूसरा इनर ज्वाइन करना है, बट किस पे करना है, सब्जेक्ट टेबल पर। सब्जेक्ट टेबल लिए, टेबल नेम और सब्जेक्ट का यहाँ पे एल एस लिया हमें एस, तो उस पर कौन से कंडीशन में करना है अभी, ये भी इसमें टीचर सब्जेक्ट से करना है। ठीक है, तो टीचर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ये एल एस लेता हूँ, डॉट कौन सा सब्जेक्ट आईडी लेना है, और इसके सब्जेक्ट टेबल में कौन सा कॉलम है जो सब्जेक्ट आईडी है, इसके बेस पे लेना है। ठीक है, ये हो गया। और हमें यहाँ पे अभी टीचर आईडी यहाँ पे आ रहा है, राइट, तो हमें टीचर टेबल से भी ये लेना पड़ेगा टीचर नेम, क्योंकि यहाँ पे आईडी टीचर आईडी पास हो रहा है, तो हमें टीचर वहाँ पे क्या चाहिए, ग्रिड व्यू में वहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, तो वहाँ पे टीचर नेम डिस्प्ले करवाना है ना, तो उसके लिए हमें यहाँ पे नेम भी लेना पड़ेगा, तो उसके लिए भी मैं वापस से इनर ज्वाइन करना पड़ेगा टीचर टेबल पर। इनर ज्वाइन टेबल नेम टीचर, टीचर के लिए टी, कौन से इस पे लेना है, टीचर सब्जेक्ट में से टीचर आईडी लेना है, इसको इसका सेम होना चाहिए जो कि टीचर टेबल में टीचर का आईडी होगा उस पे होना चाहिए सेम, राइट, तो हो गया ये भी। अभी सब हम लोग इनर ज्वाइन ले लिए, अभी क्या कॉलम नेम वहाँ पर डिस्प्ले करवाना है वो सब करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो पहला हम लोग सीरियल नंबर ले लिए, सीरियल नंबर जो है 1 2 3 काउंटिंग आएगा, जितना डेटा रहेगा रो, जितना रो डेटा रहेगा। ठीक है, तो अभी सेकंड जो है करना है हमें, लाइक पहला क्या है, ये है क्लास आईडी है, सॉरी जो मेन आईडी है वो भी लेना है, वो भी हमको चाहिए वहाँ पे, तो टी एस है ना, टी एस डॉट आईडी हमको उसमें मिल जाएगा टेबल सब्जेक्ट में। ठीक है, आईडी चाहिए, दूसरा का चाहिए हमें क्लास का आईडी जो है इसमें, ये भी चाहिए और क्लास नेम भी चाहिए, तो टी एस है उसमें हमारा क्लास आईडी है मिल जाएगा। उसके बाद में
अभी क्लास नेम चाहिए जो कि क्लास टेबल्स में लिखा, तो सी इसका ऑब्जेक्ट है और क्लास नेम मिल गया हमें। अभी हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट आईडी चाहिए जो कि टीचर सब्जेक्ट के टेबल में मिलेगा, सब्जेक्ट आईडी। और अभी सब्जेक्ट नेम चाहिए जो कि सब्जेक्ट टेबल में मिलेगा, सब्जेक्ट नेम। और क्या चाहिए, टीचर आईडी जो कि टीचर सब्जेक्ट टेबल में, टीचर आईडी। और उसके साथ में हमें टीचर नेम चाहिए जो कि टीचर टेबल में मिलेगा, नेम तेरा नेम। ठीक है, अभी मैं इसको ब्रेक डाउन कर देता हूँ मैं, बट अभी ब्रेक डाउन नहीं करना भी नहीं है क्योंकि हम वहाँ पे सिंगल लाइन में क्वेरी है और ये फॉर्म करना है। बट इसको मैं रन कर देता हूँ एक बार मैं F5। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमें सीरियल नंबर मिल जाएगा, आईडी, क्लास आईडी, नेम, क्लास नेम, सब्जेक्ट आईडी, सब्जेक्ट नेम, टीचर आईडी, टीचर नेम। तो अब मैं सभी कॉलम जो चाहिए सब यहाँ पे मिल जाएगा अभी, मतलब क्वेरी हमारा राइट है। तो अभी मैं इसको सिंगल लाइन में उसको कर देता हूँ मैं, मैं यहाँ पे इसको इसलिए दिखाया ताकि जो है ये क्वेरी हमारा जो प्रॉपर फॉर्म हो रहा है, काफ़ी लंबा क्वेरी है तो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए से यहाँ पे सिंपल स्टार्ट टू एंड पूरा मैं बताया हूँ। इसको पूरा लाइन कॉपी कर लेता हूँ मैं, कॉपी, और इसको हम पेस्ट करेंगे यहाँ पे। तो मैं लगी ये लाइन जो है यहाँ तक का, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ मैं, पहले ये हो गया रिमूव। अब यहाँ से पूरा स्टार्ट टू एंड डबल कोट्स के अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब ये पूरा एक लाइन में हमको चाहिए नहीं, काफ़ी ये हो जाएगा काफ़ी लंबा है, तो हमें क्वेरी दिखना चाहिए पूरा, जिसकी वजह से यहाँ पे एट डी रेट मैं पहले से लगाया हूँ। तब मैं इसको ब्रेक डाउन कर सकता हूँ, यहाँ से ब्रेक कर दिया, इसको अलाइन कर लेते हैं हम लोग, यहाँ से चलेगा। ठीक है, उसके बाद मैं नहीं यहाँ तक कर देता हूँ। ठीक है, इनर जोन से ऑपर ब्रेक कर देता हूँ मैं इसको। ओके, हमारा 3 लाइन में पूरा क्वेरी आ गया है। ठीक है, और ग्रिड व्यू में ये बाइंड हो रहा है, ग्रिड व्यू नेम जो है ग्रिड व्यू 1 है। ठीक है, ये सब प्रॉपर है। ठीक है, सब हो गया इसका। अभी क्या करना है, ये जो हमें पहले से डिस्प्ले करवाना है वो सब उसको हमें पेज लोड पे कॉल करना है, जैसे गेट टीचर कॉल करवाना है, ये ड्रॉप डाउन का ग्रिड व्यू का गेट टीचर सब्जेक्ट और गेट क्लास, ये सब हमें पेज लोड के इवेंट पे कॉल करवाना है जब ये फर्स्ट टाइम लोड होगा तभी। तो इसके लिए यहाँ पे इफ है, इफ पे कंडीशन लेते हैं कि इस पोस्ट पैक जो है हमारा है ना, वहाँ पर चेक करेगा कि लाइक, और चेक ये करेगा कि नहीं रहेगा जब जब कोई भी पोस्ट हमारे पेज से सर्वर पर नहीं गए वो टाइम पे, मतलब जब फर्स्ट टाइम जब पेज लोड हो तभी हमें सब कुछ हमें और ये वैल्यू शो करवाना है ड्रॉप डाउन का ग्रिड व्यू का, राइट। तो उसके लिए हमें ये करना है, तो सबसे पहला गेट क्लास है, फंक्शन कॉल करते हैं, क्लास का ड्रॉप डाउन शो हो जाएगा। फिर गेट टीचर, गेट टीचर का फंक्शन जो कि ग्रिड व्यू में ड्रॉप डाउन में बाइंड होगा। फिर ग्रिड व्यू वाला शो करना है गेट टीचर सब्जेक्ट, ये भी शो हो गया उसमें। ठीक है, तो यहाँ तक काम हो गया है, अभी बटन पे ऐड करवाना है काम बाकी है भी। स्पेस रिमूव कर देता हूँ मैं, तो बटन क्लिक करेंगे तो हमें वो ऐड होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए सब्जेक्ट में से बटन क्लिक का जो वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इसके अंदर का पार्ट ट्राई होता है ब्लॉक में का, कॉपी पेस्ट। तो अभी हमें क्या करना है,
तो जैसे अभी हम लोग ने यहाँ पे इसका लिया क्लास का वैल्यू लिया स्ट्रिंग वेरिएबल में, ठीक है। तो वैसे हमें ये सब का भी सेव करवाना है, तो कौन सा क्लास सिलेक्टेड हुआ, कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट हुआ है, कौन सा टीचर सब्जेक्ट टीचर सिलेक्ट हुआ है ड्रॉप करने से, वो उसका ही वैल्यू लेके हम लोग सेव करवाएंगे ना यहाँ पे इस टेबल में। इस टेबल में क्या सेव हो रहा है, इस टेबल में हम लोग सेव क्या कर रहे हैं टीचर सब्जेक्ट टेबल में, ये इसमें कॉलम्स का क्या है, आईडी है, ठीक है, जो कि ये ऑटोमेटिक जनरेट होगा। दूसरा क्या है, क्लास आईडी, कौन सा क्लास सिलेक्टेड है, मतलब क्लास का वहाँ पे वैल्यू हमें ड्रॉप डाउन से लेना पड़ेगा। सब्जेक्ट, कौन सब्जेक्ट आईडी, तो वापस से ड्रॉप डाउन में से लेना पड़ेगा ड्रॉप डाउन, हाँ। फिर टीचर, तो ये भी सब ड्रॉप डाउन, मतलब तीनों चीज़ जो है, तीनों क्लास सब्जेक्ट टीचर, तो तीनों का सबका ये ड्रॉप डाउन है, और सबका जो कौन सा वैल्यू सिलेक्टेड है हमें उसका ये वैल्यू निकालना है, ठीक है, और उसको हमें सेव करवाना है टेबल में। तो हमें सबका चाहिए, तो इसके लिए हमें क्लास का वैल्यू जो है मैं यहाँ पे मिल रहा है, बट हमें ये चाहिए क्लास आईडी चाहिए, जिसमें नाम चेंज कर देता हूँ क्लास आईडी, ठीक है। तो वैसे ही मैं बाकी के लिए कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट। तो क्लास आईडी हो गया, फिर उसके बाद में हमें इसका चाहिए, ये हो गया मेरा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आईडी, फिर इसके बाद में टीचर आईडी, ये रहेगा मेरा टीचर आईडी। तो अभी इसका आईडी भी चेंज करना है, तो जैसे क्लास पहला क्लास से रहता था डीडीएल क्लास से, अभी ये डीडीएल सब्जेक्ट से आएगा, और ये टीचर डीडीएल टीचर से आएगा, हो गया, चलिए। तो अभी मैं तीनों पहले मिल गया है वेरिएबल में, अभी क्या करना है यहाँ पे, ये लाइक हमको पहला इंसर्ट करवाने से पहले चेक भी करना है ना कि जो हम इंसर्ट करवा रहे हैं वो पहले से है क्या टेबल के अंदर। तो यहाँ पे हमारा टीचर सब्जेक्ट टेबल नेम है, तो वहाँ से चेक करेगा जिसके अंदर क्लास आईडी है, जो कि यहाँ से हम लोग वेरिएबल लिए हैं क्लास आईडी, इसके अंदर से मिल जाएगा और चेक करेगा। और फिर जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नेम, वो भी हमको वेरिएबल में यहाँ पे वहाँ से चेक कर लेगा सब्जेक्ट आईडी, और साथ में हमें और एक लेना है ना, क्योंकि यहाँ पे कैसा क्लास सब्जेक्ट टीचर, टीचर भी ये कॉमन नहीं होना चाहिए ना, उस क्लास में उस सब्जेक्ट के लिए उस पे कौन सा टीचर है, टीचर भी सेम निकला तो हमें वो ऐड नहीं करना है ना उस क्लास में उस सब्जेक्ट के लिए, तब सेम सब्जेक्ट के लिए सेम टीचर नहीं होना चाहिए, राइट। मतलब ऑलरेडी एक टीचर असाइन है वहाँ पर, तो अलाउ नहीं करने देना है, राइट। तो इसके लिए ये है, ठीक है, एंड टीचर आईडी इज इक्वल्स टू सिंगल कोट, फिर अंदर डबल कोट, फिर अंदर डबल प्लस, ठीक है। तो इसके अंदर में ये करना है हमारा टीचर आईडी, ये हो गया। तो अभी कोई डेटा नहीं है, तो अंदर हमें इंसर्ट करवाना है, जो कि टीचर सब्जेक्ट टेबल में इंसर्ट करवाना है, और उसका वैल्यू जो है पहला क्लास का ये जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू वेरिएबल लिए क्लास, ठीक है, बस वो डालना है क्लास आईडी। दूसरा जो है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आईडी, इसके बाद में हमें और एक लेना है, मैं उसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी पेस्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट आईडी के बदले में टीचर आईडी आ जाएगा,
गया, तो इंसर्ट हमारा इसमें हो जाएगा, इंसर्ट सक्सेसफुल, मैसेज वगैरह है सब है, ठीक है। बस यहाँ पे DDL क्लास के लिए 0 करवाना है, वैसे ही MS ये भी करवाना रहेगा। सभी का ये कर लेते हैं, 0 इंडेक्स पे ये करवा देंगे। और ये तो हमें कुछ चाहिए नहीं, टेक्स्ट बॉक्स वगैरह जो पहले था होने चाहिए, उसके बदले में ये चाहिए कि हमारा जो DDL ये रहेगा सब्जेक्ट, DDL सब टीचर है और सब्जेक्ट होगा, उसको 0 इंडेक्स पे करवाना है। सो DDL सब टीचर है भी होएगा। और अभी यहाँ पे हमारा ये जो फंक्शन है, मैं ग्रिड ग्रिड को बाइंड करने के लिए, वो क्या है, गेट टीचर सब्जेक्ट है ना, गेट टीचर सब्जेक्ट, ठीक है, ये भी हो गया। और एल्स में यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे एंटर टीचर, एंटर टीचर ऑलरेडी एग्जिस्ट ना, ऑलरेडी एग्जिस्ट, लेकिन किसके लिए, वो रेस्पेक्टिव क्लास के लिए ना, ऑलरेडी एग्जिस्ट फॉर फॉर क्लास, यहाँ पे क्लास का नाम लेते हैं, उस क्लास के लिए ऑलरेडी टीचर वहाँ पे है, बट यहाँ पे क्लास नहीं सब्जेक्ट रहने वाला, सब्जेक्ट रहने वाला फॉर सब्जेक्ट, एंटर टीचर ऑलरेडी एग्जिस्ट फॉर उस क्लास और टीचर, मतलब उस क्लास के लिए और सब्जेक्ट के लिए दोनों यहाँ पे देना पड़ेगा हमें, और उस क्लास, तो क्लास का जो है हमें यहाँ पे क्लास से मिल जाएगा, क्लास नेम है ना, तो नेम चाहिए हमें यहाँ पे, क्लास नहीं जाना, तो मैं सिंपल रखता हूँ उसको, क्वी ये एंटर एंटर टीचर ऑलरेडी एग्जिस्ट, इसको नहीं रखता हूँ। और बाकी जो है ये बोल्ड, इसको मैं बोल्ड करता हूँ टीचर को, ठीक है, ये पार्ट हो गया ऐड का। अभी चलो ऐड करके देखते हैं बाद में, ग्रिड व्यू का जो इवेंट्स है, अपडेट डिलीट है ना, वो सब करते हैं उस पार्ट पे काम, इसको रन करके देख लेते हैं अभी। ओके, ग्रिड व्यू में जो इवेंट्स है, यहाँ पे हमने कॉपी पेस्ट किए तो वो इवेंट्स यहाँ पे ऑलरेडी है, बट CS पेज में नहीं है, तो इसकी वजह से ये एरर दे रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पेज इंडेक्स चेंजिंग, इसको सबसे पहले जो है यहाँ पे इवेंट मिल रहा है, यहाँ से पेज इंडेक्स चेंज है ना, वो इवेंट है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला कोई इवेंट नहीं है, इस लाइन में कोई इवेंट नहीं, सेकेंड लाइन में जो है ग्रिड व्यू का, यहाँ पे पेज इंडेक्स चेंजिंग का ये मिल रहा है इवेंट उसको पहले, तो इसके लिए इस पे ही वो एरर दे दिया कि क्या बोल रहा है। नॉर्मली सबको ये एरर आता है, ठीक है, तो मैं ये पहले यहाँ पे बता देता हूँ कि एरर क्यों आता है। लाइक अभी ये एडमिन टीचर सब्जेक्ट, तो इस टीचर सब्जेक्ट में यहाँ पे ये एरर दे रहा है, एग्जैक्ट पेज नेम चाहिए तो यहाँ पे मिल जाएगा पेज नेम टीचर सब्जेक्ट यहाँ पे, और कहाँ पे लाइन 47 पे ये एरर दे रहा है, 47 ये, बट ये 47 पे नहीं है एक्चुअली का ये है, बट ये कौन सा कंट्रोल, तो कंट्रोल जो स्टार्ट हो रहा है वो लाइन यहाँ पे ले रहा है 47 पे बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो ग्रिड व्यू वन पेज इंडेक्स चेंजिंग, जो कि ये है, जो कि इसमें है नहीं, ये मेथड इसको मिल नहीं रहा है, कहाँ पे नहीं मिल रहा है, टीचर सब्जेक्ट में, मतलब जो CS पेज है ना वहाँ पे नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से ये एरर दे रहा है। तो मैं पहले इसका इवेंट भी जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है, कोडिंग उसका बाद में कर लेंगे, बट इवेंट पहले जनरेट कर लेते हैं हम लोग उसका, तो उसके लिए स्टॉप करना पड़ेगा। और जो जो इवेंट्स है हम लोग डिज़ाइन में जाके इवेंट्स को क्लिक करके क्रिएट करवा देंगे CS पेज में, ठीक है। प्रॉपर्टीज में जाना है, इसके लिए ग्रिड व्यू सिलेक्टेड होना चाहिए, प्रॉपर्टीज में जाना है, फिर प्रॉपर्टीज में जाके ये जो है इवेंट्स का है ना, ये यहाँ पे इसमें आना है, फिर इसके बाद में पेज इंडेक्स चेंजिंग का है, डबल क्लिक करते हैं इस पर, इसका इवेंट जनरेट हो गया, ठीक है।
और फिर इसके बाद में वापस से प्रॉपर्टीज में आके लाइक इसका कैंसिलिंग एडिट डबल क्लिक करते हैं, इसका इवेंट जनरेट हो गया। फिर उसके बाद में रो डिलीटिंग का भी चाहिए शायद इसमें, ठीक है, तो उसका भी कर लेते हैं। इवेंट जनरेट हो गया रो डिलीटिंग का, एडिटिंग का भी करना है डबल क्लिक करना है, इसका भी जनरेट हो गया है। फिर इसके बाद में अपडेटिंग का, इस पर डबल क्लिक करते हैं, ये भी हो जाएगा इवेंट जनरेट, ठीक है। तो अभी सभी इवेंट हमारा जो है जनरेट हो गया है, बट अभी हमने उसमें कुछ कोडिंग नहीं किया है, तो हम बाद में कर लेंगे। और ठीक है, तो जैसे मैंने बोला था कि हमें क्लास में ड्रॉप डाउन, क्लास ड्रॉप डाउन में पहले से क्लास हमको आना चाहिए, जबकि सब्जेक्ट में पहले कुछ नहीं आना चाहिए, सब्जेक्ट में पहले कुछ नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं? क्योंकि अभी सब्जेक्ट हमें कैसा, कौन से क्लास में सब्जेक्ट है वैसा आना चाहिए ना। तो मतलब क्लास सिलेक्टेड रहेगा, उस क्लास के अंदर सब्जेक्ट जो है वो शो होगा, अदरवाइज शो नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये ऐसा फंक्शन है उन्होंने यहाँ पे किए हैं। जैसे मैं क्लास फर्स्ट सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे देख रहा हूँ पेज रिफ्रेश हुआ और इसके अंदर सब्जेक्ट आ गया। क्लास फर्स्ट में किस सब्जेक्ट है, इसके लिए यहाँ पे अभी एक सब्जेक्ट का ऑप्शन यहाँ पे आ गया है। तो अभी क्लास सेकेंड में कितना सब्जेक्ट है, तो वो सब्जेक्ट यहाँ पे आ गया। तो ये डायनेमिकली चेंज हो रहा है, तो ये ऑटो पोस्ट पे आके जा रहा है। जैसे मैं यहाँ पोस्ट कर दे रहा हूँ, मैं कुछ बटन क्लिक वगैरह नहीं कर रहा हूँ, या ये पोस्ट सर्वर पर जाना चाहिए, रिक्वेस्ट जाना चाहिए सर्वर पर, नो नहीं कर रही है, ऑटोमेटिक जा रहा है। जैसे हम यहाँ पे कुछ आइटम चेंज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो ऑटोमेटिक ये वहाँ पे सर्वर पे आता है। अभी थर्ड सब्जेक्ट क्लास में, क्लास थर्ड में कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो ये ऐसा हो रहा है। क्लास फोर्थ में नहीं है, क्लास फिफ्थ में एक सब्जेक्ट होगा मेरे ख्याल से, ऐसे इतना सब सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। और बाद में यहाँ पे टीचर का है, ठीक है, तभी मैं यहाँ पे असाइन सब्जेक्ट करूँगा, तो वो वैलिडेशन है सबका यहाँ पे, ठीक है। क्लास से यहाँ पे सिलेक्ट होता है, जिसके लिए यहाँ पे ये नहीं आया है, तो मैं अभी कर रहा हूँ। क्या दे दिया मुझे, कन्वर्जन फेल्ड, क्वेरी क्या है इसका, सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम सब्जेक्ट वेयर क्लास आईडी इज इक्वल्स टू सिलेक्ट क्लास। अच्छा, तो सिलेक्ट क्लास में अभी लाइक इवेंट चेंज हो रहा है ना, सिलेक्ट क्लास बोलकर तभी ये एरर दे रहा है, तो इसका वैलिडेशन लोग लगाया नहीं है क्या, कि जो सिलेक्ट क्लास हो तभी नहीं चेंज होना चाहिए। देखते हैं टीचर सब्जेक्ट में, तो इधर इसका डिज़ाइन पेज, ये सही है, ये डिज़ाइन पेज। बट वो क्या था, सब्जेक्ट का था, क्वेरी का था, वहाँ पे सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में से हो रही है, ओके, वह क्लास आइडिया चाहिए इसके चेंज इवेंट पे। तो यहाँ पे वैलिडेशन में सिलेक्ट क्लास आइटम है और वैलिडेशन नहीं लगा हुआ यहाँ पे। अच्छा, बट ये कौन सा है, ग्रिड व्यू है यहाँ पे नीचे हमको, यहाँ पे यहाँ का मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लास का है सिलेक्ट क्लास, ठीक है, तो सिलेक्ट क्लास है यहाँ पे इनिशियल वैल्यू, वैलिडेशन तो लगा हुआ है। तो यहाँ पे कहाँ गया इसका, ये F8 F7 F7 में ये इवेंट मेरा आ गया। इसके अंदर जहाँ पे गेट क्लास, यहाँ पे सिलेक्ट क्लास बोल कर तुमने पास किए ज्यूरी इंडेक्स पे, तो ये सेम होना चाहिए हमारा। यहाँ से कॉपी करता हूँ मैं, और इसका डिज़ाइन पेज में ये जो इनिशियल वैल्यू है ये सेम होना चाहिए। मैं यहाँ वापस प्रेस करके देखता हूँ, ठीक है, सेव कर देता हूँ मैं, ताकि ये डिफरेंट ना हो, वहाँ पे सेम हो जाए। और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, मैं ये करता हूँ कंटिन्यू, और इसको मैं कर देता हूँ बैक, रिफ्रेश करता हूँ मैं,
ठीक है, तो अगर मैं अभी करूँ, मैं तो अभी देख रहा हूँ यहाँ पे वैलिडेशन लगा हुआ है, अभी काम कर रहा है। ठीक है, अभी मैं इसका क्लास जैसे चेंज करता हूँ मैं। ठीक है, फर्स्ट मैं यहाँ पे करता हूँ, फर्स्ट के लिए इंग्लिश है, तो यहाँ पे अभी पहुँचे टीचर के लिए मुझे करना है इंग्लिश। ठीक है, तो मैं वो टीचर सेलेक्ट करता हूँ मैं, और ये कर देता हूँ असाइन सब्जेक्ट नहीं हुआ क्या, नो डेटा टू इसमें दिखा रहा है, चेक करते हैं डेटाबेस में इंसर्ट हुआ कि नहीं। ठीक है, हमारा क्वेरी तो रेडी है, ये करेंगे एग्जीक्यूट। अच्छा, न्यू क्वेरी मैंने किया, एग्जीक्यूट करना है मुझे, इसमें कोई डेटा नहीं आ रहा है, इसमें डायरेक्ट करता हूँ मैं, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर सब्जेक्ट, स्पेस दे दिया मैं भी टीचर सब्जेक्ट, और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, डेटा इंसर्ट नहीं हुआ है, तो मतलब आपको कुछ एरर आया है, बट हम लोगों ने ट्राई कैच ब्लॉक लिया है, तो इसकी वजह से ना ये क्या एरर है पता चलता नहीं है। ठीक है, अभी एरर शो हुआ ऐसा यूज़र को अच्छा नहीं लगेगा, मतलब उसको समझेगा तो यानी, तो उसको एरर दिखा के मतलब भी नहीं है, इसके लिए हम एरर को ट्राई कैच में हैंडल करते हैं अभी हमें। बट मुझे मुझे चेक करना है, डिबग करना है, तो कैसे करूँगा मैं, तो उसका जो बटन क्लिक इवेंट है ना, उस पर मैं ब्रेक पॉइंट लगा दूंगा, और फिर उसके बाद मैं उसको डिबग करूँगा कि कहाँ पे एरर जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो मैं जो है मेरा ये कोड वाला पार्ट इसको ओपन करता हूँ, और मेरा सी एस पेज में जो बटन क्लिक है मेरा, उस पर आता हूँ, ये रहा मेरा बटन क्लिक इवेंट, इस पर मैं ब्रेक पॉइंट लगा दिया हूँ, और इसके बाद में अब मैं इसको क्लिक करता हूँ बटन पे, मेरा यहाँ पे कर्सर जो है आ गया है, F10 प्रेस करूँगा तो मेरा ये जो डीबग का ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, F10 में मेरा यहाँ पे क्लास आईडी मिल रहा है, क्लास हाँ मिल गया, फर्स्ट क्लास, ये सब्जेक्ट मिल गया मुझे, कौन सा टीचर सेलेक्ट है ये भी मिल गया, तो मतलब मुझे मेरा यहाँ पे क्वेरी में अभी यहाँ पे चेक करेगा कि ये वाला पार्ट ओके। यहाँ पे मुझे ना ये भी देना है, सिर्फ टीचर नहीं, टीचर सब्जेक्ट एंटर्ड, टीचर सब्जेक्ट ऑलरेडी है, जो टीचर का सब्जेक्ट ऐड कर रहे हैं वो ऑलरेडी ऐड है, हाँ टीचर सब्जेक्ट ये ऑलरेडी है। ठीक है, तो ये हो गया, अभी मुझे इसके अंदर जाना है, जो कि एक फंक्शन है, तो कैसे जाऊँगा मैं, F11 से अंदर जाऊँगा मैं फंक्शन के अंदर, फंक्शन के अंदर आ गया, क्वेरी जो मेरा परफॉर्म हो गया रहा है, क्वेरी बराबर है क्या, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर सब्जेक्ट वेयर क्लास आईडी, क्लास आईडी का वैल्यू, ओ ये गड़बड़ी हो रही है, हमें यहाँ पे सब क्लास आईडी पास करना है, और यहाँ पे मैंने सब क्लास का वैल्यू लिया हूँ मैंने। ठीक है, तो इसके वजह से ये इशू हो रहा है, मुझे यहाँ पे नेम नहीं चाहिए, लोग का ड्रॉप डाउन का नेम नहीं चाहिए, ड्रॉप डाउन का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मैं यह चेंज करना है, तो यहाँ पे इसको मैं स्टॉप करता हूँ डिबग, और यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे जो सिलेक्टेड आइटम जो टेक्स्ट है ना, उसको निकालना है हमें, यहाँ पे सिलेक्टेड वैल्यू है वो लेना है हमें, सिलेक्टेड वैल्यू तो हमें सब जगह यही लेना है, सो कॉपी कर लेता हूँ मैं, बाकी मैं निकाल देता हूँ उसको, उसको पेस्ट पेस्ट, और उसको निकाल देता हूँ, ये एक मेरा मिस्टेक है, मैंने चेंज नहीं किया, इसके वजह से सब ये रॉन्ग हो गया, अब रन करता हूँ भी प्रॉपरली होगा। ठीक है, अब मैं इसको ऐड करके देखता हूँ, मैं यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करता हूँ, सब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ मैं, उसके बाद में यहाँ पे टीचर को सिलेक्ट करता हूँ और असाइन कर देता हूँ मैं, अभी फिलहाल ब्रेक पॉइंट निकाल देता हूँ इसका जो ऐड किया था, कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ मैं, अभी ये मेरा ऐड हो जाना चाहिए, बट ये अभी भी ऐड नहीं हुआ, अभी क्या इशू है इसको, फिर से ब्रेक पॉइंट में यहाँ पे लगा के चेक कर लेता हूँ, क्लास आईडी 1 मिल रहा है, उसका भी 1 2 है, टीचर आईडी 2 है। ठीक है, अब मैं अभी F11 करूँगा तो फंक्शन के अंदर मेरा जाएगा, और फंक्शन क्वेरी क्या बन क्या रहा है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सब्जेक्ट टीचर सब्जेक्ट वह क्लास आईडी 1, ठीक
ठीक है, तो जो कि अभी उसके अंदर वैल्यू ही नहीं है, तो हमें यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं मिलेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, ओके उसके अंदर ही एरर आ रहा है। कंटिन्यू करता हूँ, वापस करता हूँ मैं। F10, F11, तो यहाँ पे जो क्वेरी बन रहा है, इस क्वेरी को कॉपी करके पेस्ट करता हूँ मैं, सिलेक्ट ऑल कॉपी, और यहाँ पे मैं इसमें मतलब इनका देखता हूँ कि क्वेरी में क्या प्रॉब्लम है, पेस्ट रन। ओके, यहाँ पे कॉलम नेम मैंने क्या दिया हूँ, सब्जेक्ट नेम, जो कि ये नहीं, मैंने चेंज नहीं किया, कॉपी कॉपी किया था सब्जेक्ट टेबल से ना, तो आज मैंने चेंज नहीं किया सब्जेक्ट, यहाँ पे आईडी आएगा, तो मैं नेम को निकाल के मैं तो आईडी करूँ तो ये हो जाएगा आईडी। ठीक है, अभी ये वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया है और कुछ नहीं, तो उसको मैं अभी चेंज करवा देता हूँ, मैं वापस से करता हूँ पे, और यहाँ पे सब्जेक्ट नेम है उसको मैं ऐड कर देता हूँ, ऐड चेंज हो गया। अब मैं इसको करूँगा तो हो जाएगा, मैं इसको ब्रेकपॉइंट में निकाल देता हूँ, मैंने चेंजेस किया उसको, मैंने सेव कर दिया, और मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। अभी ये मेरा इंसर्ट हो गया है, मैसेज आ गया इंसर्ट है सक्सेसफुल, और यहाँ पे मेरा शो भी हो रहा है कि क्लास फर्स्ट के लिए मेरा ये इंसर्ट हुआ है, सब्जेक्ट मेरा इंग्लिश है, और टीचर, तो टीचर के लिए यहाँ पे वैल्यू की ए क्यों आ रहा है क्लास फर्स्ट। अच्छा, मैंने टेक्स्ट में लगता है डिजाइन में चेंज नहीं किया, कॉपी पेस्ट किया था, ये होता है कॉपी पेस्ट करने पर भूल जाता है क्या क्या चेंजेस करना है, छोटा छोटा मिस्टेक है, ये ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे लेबल में ये टीचर नेम देना मुझे यहाँ पे, ओके टीचर नेम के लिए शायद नेम ही है, नेम है सिर्फ। ठीक है, सेव करता हूँ मैं, और उसको यहाँ पे मैं करता हूँ रिफ्रेश, अभी यहाँ पे शो होना चाहिए, हाँ अभी आ गया टीचर का नेम, अभी शो हो रहा है अभी। ठीक है, तो क्लास फर्स्ट के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए इस टीचर को असाइन किया हुआ है, तब मैं ऑलरेडी वापस से मैं इसको ये करता हूँ मैं, ठीक है वापस से इसी टीचर को मैं असाइन करता हूँ सब्जेक्ट, तो क्या होगा, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है ये बोल कर। ठीक, और अगर मैं यही सब्जेक्ट में किसी और को असाइन करूँ, मीन्स एक ही सब्जेक्ट मतलब दो टीचर को असाइन करता हूँ, तो ये भी तो नहीं होना चाहिए राइट। जैसे कि अगर मैं इंग्लिश सब्जेक्ट में भी इस टीचर को असाइन किया हूँ लोपेस मैम को, ठीक है, तो अगर मैं वापस से यही सब्जेक्ट जो है उसी क्लास का किसी और दूसरे मैम को, जैसे भी ये मैम है, मैं अगर उनको असाइन करूँगा तो ये असाइन कर लेगा, देखते ये असाइन कर लिया, मतलब अभी एक ही क्लास के एक ही सब्जेक्ट को दो दो टीचर पढ़ाएंगे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए राइट। हर एक सब्जेक्ट अलग अलग टीचर को मिलना चाहिए, तो अभी कैसा सेम सब्जेक्ट सेम क्लास के लिए अलग अलग टीचर को मिल गया, तो ये पॉसिबल नहीं होना चाहिए राइट, तो इसके लिए ये भी चेक करना चाहिए ना, तो इसके लिए हमको और क्वेरी थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब चेक कर रहे क्वेरी में, तो उसको वहाँ पे इम्प्रूव करना पड़ेगा और थोड़ा, जैसे कि यहाँ पे चेक कर रहे पहले कि इसमें ये इससे मैच तो नहीं हो रहा है, तो हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं इसको, ठीक है इसको हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये है अभी, लाइक ये क्वेरी जो था पहले इसमें आ गया, ये शो हो रहा है, लाइक अभी मैं इसको बस आईडी चेंज कर दिया, दूसरा डाल दिया, तो वो भी ये आ जाएगा, जैसे कि 3 डाल रहा हूँ मैं और ये कर रहा हूँ, 3 पे भी ये वैल्यू है, बट अभी सेम सब्जेक्ट शो हो रहा है ना, बस आईडी चेंज हो रहा है टीचर का, तो हमें तो ऐसा नहीं चाहिए। अगर मैं यहाँ पे और लगाता हूँ मैं,
तो क्या करेगा ये देखते हैं। तो ये आउटपुट दोनों के लिए दे रहा है, मतलब दोनों है, मतलब ये क्या हो रहा है यहाँ पे कि सेम क्लास के लिए सेम सब्जेक्ट के लिए जितने टीचर्स रहेंगे सब शो करेगा, ये देख रहे हो सब शो कर रहा है। तो वहाँ पे जो काउंट है मेरा ना वो जो बढ़ जाएगा, तो मतलब वहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो ये नहीं होना चाहिए ना, तो इसके लिए ये जो है रिमूव करवाना पड़ेगा हमें। तो और पे शायद मेरे ख्याल से ये अभी वर्क कर रहा है, मैं ये कर देता हूँ मैं। तो फिलहाल मैं जैसे कि अगर मैं इसका एक ये डेटा रिमूव कर देता हूँ मैं टेबल से, आईडी 2 है इसका, तो मैं डिलीट करवा देता हूँ मैं, डिलीट। डेट फ्रॉम टीचर सब्जेक्ट वेयर आईडी इक्वल्स टू 2 जो मैंने लास्ट में ऐड करवाया था, और उसको डिलीट करवा दिया हूँ मैं। अगर मैं अब मैं चेक करूँ मैं कि लाइक ये है क्या, अगर मैं 3 इंसर्ट करा रहा हूँ, मैं न्यू टीचर को असाइन करा रहा हूँ, मैं वो सब्जेक्ट असाइन ऑलरेडी किस टीचर को किया हूँ उसके बाद मैं दूसरे टीचर को वही सेम सब्जेक्ट असाइन करने जा रहा हूँ, तो अगर ये क्वेरी रहेगा तो क्या करेगा, तो भी ये आउटपुट दे रहा है बराबर। क्यों? क्योंकि अगर आईडी यहाँ पे जो है मैच नहीं हुआ, मैच हुआ तो डिस्प्ले करेगा क्योंकि ऑलरेडी वो टीचर है, ठीक है। अगर वो टीचर नहीं है बट उस ये क्लास के लिए है और सब्जेक्ट के लिए ऐड किया है वो सब्जेक्ट पहले से, तो भी हमें उसका डेटा शो कर देगा। तो मतलब हमें वो पहले से सब्जेक्ट वहाँ पे असाइन है, ठीक है, तो हमें वो नहीं ऐड करने नहीं देगा। तो यहाँ पे और लगाना बेटर पड़ेगा, अच्छा पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एंड निकाल के और लगाना पड़ेगा, और कुछ नहीं, बाकी सब सेम रहेगा। तो यहाँ पे हमको यहाँ पे और लगाना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं इसको स्टॉप करूँगा तो करूँगा, फिर रंग में टाइम जाएगा बहुत, इससे अच्छा मैं यहाँ पे ये करवा दूंगा। मैं जैसे इस पे आएगा मैं यहाँ पे इसको चेंज कर दूंगा और सेव कर दूंगा, ठीक है। तो मैं वापस से ये करता हूँ, अभी मैं क्लास फर्स्ट के लिए सेम सेम सब्जेक्ट के लिए दूसरे टीचर को असाइन करता हूँ। अभी अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बार, तो यहाँ पे बस मेरे पास अभी एक ही है क्योंकि मैंने डिलीट मार दिया हूँ, लोपेस में उनको असाइन किया सब्जेक्ट। अभी मैं दूसरे जो दूसरी मैम है उनको असाइन करता हूँ, जैसे कि अनिता मैम है, उनका नाम अनिता मैम, तो मैं वही सेम सब्जेक्ट अनिता मैम को भी असाइन करने जाऊंगा। अभी मैं असाइन सब्जेक्ट पे क्लिक किया हूँ, तो ये मुझे यहाँ पे एंड को जो है और करना है रिप्लेस, और उसको मैं करता हूँ सेव, ठीक है। और मैं इसको ये कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ ब्रेक पॉइंट यहाँ पे क्लिक करके, और मैं मेरा ये कंटिन्यू कर देता हूँ। अब जो है ना ये इंसर्ट करने नहीं देगा, बोलेगा कि एंटर टीचर सब्जेक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट, टीचर का सब्जेक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो ये ऐड करने नहीं देगा, ठीक है। तभी हमारा ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब इसके बाद में यहाँ पे जो है हमको ये करना है, लाइक एडिट करना है और डिलीट करना है, बट डिलीट का हमने इवेंट जनरेट किया, लेकिन यहाँ पे बटन शो नहीं करे डिलीट वाला, डिलीट वाला, ठीक है। तो हम उसको शो करवाते हैं, लाइक जैसे कि डिज़ाइन पेज में जहाँ पे ये शो एडिट बटन 2 है, वैसे ही हमें शो डिलीट बटन भी शो करना है। ये शो हो जाएगा, सेव कर दिया मैंने, पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे भी मुझे डिलीट का भी ऑप्शन आ गया है, ठीक है। अभी हमने इस पर कुछ किया नहीं, जैसे एडिट पे क्लिक करूँगा तो क्या होना चाहिए, तो ये कुछ होगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा, फेल्ड फॉर रिक्वेस्ट इनिशियल पोर्ट पे। तो अभी हम लोग इसका इवेंट सब कुछ ये नहीं किए हैं, इवेंट जनरेट है बट इसका कोई कोड नहीं किए हैं, तो ठीक है, इसके वजह से ये एरर दे रहा है। तो अभी इसका सब कोड कर लेते हैं, रिव्यू का जो भी है इवेंट्स उसके अंदर, ठीक है। तो उसको स्टॉप कर देते हैं और उसका सीएस पेज पे आते हैं और यहाँ पे कोडिंग का करते हैं। तो बाकी ये कोड जो है कॉपी कर लेते हैं दूसरे पेज से, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं, पेज इंडेक्स चेंज का ये सब कोड कॉमन रहता है,
ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसलिए कॉपी करता हूँ। दूसरा जो है मेरा फंक्शन जो है ग्रिड में जो बाइंड होता है गेट, वो वाला कॉल करें, गेट टीचर सब्जेक्ट। उसके बाद में वो तो दूसरा ठीक है, इसको कॉपी कर लेता हूँ। कैंसिल एडिट, कैंसिलिंग एडिट पे यहाँ पे पेस्ट गेट टीचर सब्जेक्ट हो डिलीटिंग, यहाँ पे डिलीट वाला फंक्शन ये आएगा क्वेरी का, और एडिटिंग का यहाँ पे एक आ जाएगा, वो एडिटिंग का ये रहा। कॉपी पेस्ट, ये नहीं चाहिए हमको, हमारा है गेट टीचर सब्जेक्ट, ये हो गया। अभी हमें डिलीटिंग और अपडेटिंग पे काम करना है, तो सबसे पहले हम लोग ये कर लेते हैं डिलीटिंग वाला, फिर उस पर जाते हैं अपडेटिंग पे भी। ठीक है, ओके। तो डिलीटिंग के लिए अभी यहाँ पे मेरे पास है, ठीक है, तो मैं इसको एक कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे नहीं, सब्जेक्ट में से करता हूँ मैं, सब्जेक्ट में डिलीट का है क्या? और वो एडिटिंग डिलीटिंग का नहीं है सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, कोई नहीं, तो मैं यहाँ पे से कॉपी कर लेता हूँ रो डिलीटिंग का कॉपी, और मेरा यहाँ पे इसमें पेस्ट कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं जो है हमारा डेटा की सेम है, और इसका ये आईडी मिल जाएगा टीचर सब्जेक्ट का, तो मैं इसका वेरिएबल नेम चेंज करता हूँ टीचर सब्जेक्ट आईडी, ठीक है, हमें आईडी मिल गया है। और अभी क्या करना क्या है कि यहाँ पे जो हमारा ये क्वेरी फॉर्म होगा डिलीट फॉर्म, कौन सा है यहाँ पे टीचर सब्जेक्ट ना, तो टेबल नेम चेंज होगा, वेयर यहाँ पे क्या है आईडी से कॉलम नेम हमारा था, ठीक है, आईडी आईडी के बेस पे हमें ये वाला पास करना है कॉपी पे। चाहिए तो मैं एक बार दिखा देता हूँ टेबल के अंदर, यहाँ पे जैसे कि हम लोग डिलीट के लिए यहाँ पे क्वेरी ऑलरेडी बनाए थे, डिलीट फ्रॉम टीचर सब्जेक्ट वेयर आईडी कॉलम नेम है, ठीक है, तो ये है, तो वही क्वेरी यहाँ पे आया डिलीट फ्रॉम टीचर सब्जेक्ट वेयर आईडी इज इक्वल टू, जो कि ये यहाँ से मैं जो भी सिलेक्टेड है डिलीट के लिए उसका आईडी यहाँ से मिल जाएगा हमको, ठीक है, तो यहाँ पे फीस है, तो यहाँ पे बस ये आएगा, चेंज करते हैं ये, और बीच में देते हैं स्पेस टीचर सब्जेक्ट डिलीटेड सक्सेसफुल, और यहाँ पे हमारा ये चेंज हो जाएगा गेट गेट टीचर सब्जेक्ट हो गया। अभी अपडेट का बाकी है, अपडेट का बाद में करते हैं, लाइक इसको करने के बाद देख लेते हैं डिलीट वाला पार्ट वर्क हो रहा है क्या, ये भी कर लेते हैं साथ में, अपडेट वाला भी फिर साथ में चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो अपडेट के लिए अभी लाइक ये यहाँ से कर लेते हैं अपडेट का, इसमें है सब्जेक्ट के इसके अंदर है, यहाँ से कॉपी करता हूँ मैं, पूरा नहीं कॉपी करना है, ट्राई कैच कॉपी करना है मुझे, कॉपी और यहाँ पे पेज, ठीक है, तो सबसे पहले मैं तो ये तो चाहिए ये लाइन, ठीक है, उसके बाद में हमें डेटा की का वैल्यू चाहिए जो कि ये है, यहाँ से आ रही है भी, तो उसका आईडी नेम भी यही हम लोग देते हैं टीचर सब्जेक्ट आईडी देते हैं, कॉपी यहाँ से करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट टीचर सब्जेक्ट आईडी हमें यहाँ से मिल जाएगा, पता होगा ना, ये बताया था मैंने पहले ये कि डेटा की नेम किसका, ग्रिड वी वन में जो डेटा की नेम है वो हमें मिलेगा, तो कहाँ से दिखा देता हूँ मैं, ये मेरा ग्रिड व्यू है, ग्रिड व्यू इसमें से डेटा की प्रॉपर्टी है बोल के, वो ये है इधर डेटा की नेम, ठीक है, उसके अंदर ये जो टेबल बाइंड हो रहा है उस टेबल का जो प्राइमरी कॉलम होता है प्राइमरी की होता है कॉलम नेम, वो पास करना जो कि आईडी है हमारे टीचर सब्जेक्ट टेबल के, ठीक
केस में, ठीक है। तो यहाँ पे आईडी है, तो यहाँ पे जो बाइंड होगा तो उसमें से जो भी हम लोग एडिट या डिलीट करने जाएंगे, ठीक है, तो उसमें उस रो का डेटा का कॉलम आईडी निकाल लेगा और हमको यहाँ पे मिल जाएगा डेटा की नेम के हेल्प से। यहाँ पे हमको इसके अंदर वैल्यू मिल जाएगा जो कि इंटीजर में रहता है प्राइमरी की, राइट। तो इंटीजर में रहता है इसके, यहाँ पे इसको इंटीजर में स्टोर करवाते हैं, तो हमें यहाँ पे उसका आईडी मिल गया, यूनिक आईडी जो है। अब हमें क्या करना है, ड्रॉप डाउन से हम लोग ने कौन सा ये क्लास आईडी सिलेक्टेड है, कौन सा सब्जेक्ट आईडी सिलेक्टेड है और कौन सा टीचर आईडी सिलेक्टेड है, ये सब हमें वहाँ से फेच करवाना है, ठीक है। ये सब फेच करवाना है। तो क्लास के लिए क्लास आईडी पहले से है यहाँ पे, बस ड्रॉप डाउन नेम जो आईडी है, ड्रॉप डाउन का आईडी को चेंज करवाना है। तो क्या लिए हम लोग ने, ये है हमारा ड्रॉप डाउन आईडी, इसके लिए क्लास के लिए इसको यहाँ पे पेस्ट। और वैसे ही हमें सबके लिए चाहिए, तीनों के लिए चाहिए, तो मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ मैं कॉपी। अभी हमें ये तो नहीं चाहिए, हमारे पास नहीं है, जाना उसको रिमूव करते हैं, उसको पेस्ट वापस एक बार पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्लास आईडी हो गया था, अभी पेस्ट सब्जेक्ट आईडी हो जाएगा, इधर सब्जेक्ट आईडी और टीचर आईडी। अभी इसका ये भी चेंज करना है, जैसे कि ये क्लास के लिए, तो हमारा इसका टीचर के लिए क्या था, ये क्लास के लिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ये आईडी, तो सब्जेक्ट का यहाँ पे चेंज करते हैं, ये हो गया सब्जेक्ट। अभी इसका करते हैं टीचर का, ये टीचर का आईडी पेस्ट, ठीक है, ये हो गया। अभी हमें करना क्या है, यहाँ पे टीचर सब्जेक्ट टेबल नेम जो है अपडेट करेंगे, टीचर सब्जेक्ट आएगा, टीचर सब्जेक्ट सेट क्लास आई डी इक्वल्स टू, जो यहाँ पे क्लास आई डी में सब्जेक्ट आई डी जो यहाँ पे आएगा, सब्जेक्ट आई जो है यहाँ पे मिल जाएगा उनको सब्जेक्ट आई डी से। फिर उसके बाद में यहाँ पे और एक कॉलम हमें लेना पड़ेगा इसके लिए, कॉमा, ये देना है कॉलम नेम टीचर आईडी, टीचर आईडी इक्वल्स टू सिंगल कोट डबल कोट डबल प्लस, और यहाँ पे हमें ये देना है टीचर आईडी, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे तीनों अपडेट के लिए कॉलम नेम ले लिए हैं, भी कंडीशन पे ध्यान देना, चेक करना है वेयर यहाँ पे आईडी का है, जो प्राइमरी की कॉल है वो सिर्फ आईडी नहीं है उसका, जो कि ये आएगा क्या है, टीचर सब्जेक्ट आईडी है मेरे ख्याल से, हाँ ये हम लोग ने लिए हैं। अभी ये काफ़ी बड़ा क्वेरी हो गया, तो इसको मैं ब्रेक डाउन कर देता हूँ, मैं यहाँ पे एडिट लगाता हूँ मैं, और इसको यहाँ से वेयर कैसे ब्रेक कर देता हूँ मैं, इसको अलाइन कर, ठीक है, ये हो गया। हाँ सब्जेक्ट अपडेटेड, यहाँ पे रिकॉर्ड डाल देता हूँ मैं, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पे गेट टीचर सब्जेक्ट है, इसको भी चेंज हो गया, मीन्स हमारा जो है ये क्वेरी पार्ट हो गया है। अभी इसमें इसका अभी किस पे एक चीज़ बाकी है, इसमें नोटिस नहीं क्लियर हो गए, मैं बताता हूँ अभी ही, ठीक है, मैं दिखाता हूँ, रंग का दिखाता हूँ, ब्राउज़र में समझ में आएगा कि क्या बाकी है। तो यहाँ पर अगर मैं अभी एडिट करने जा रहा हूँ, डिलीट का तो हो जाएगा फटक से, उसमें कोई इशू नहीं है, अगर मैं एडिट पे करने जा रहा हूँ तो लाइक अभी क्लास फर्स्ट में डेटा आ रहा है, ठीक है, और इसका भी आ रहा है, जो भी हो सिलेक्टेड डेटा भी आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको अगर अपडेट भी करता हूँ मैं, ठीक है, अगर ठीक है, अगर मैं इसका ये चेंज करता हूँ, क्लास चेंज कर रहा हूँ, तो इसके चेंज होने पर सब्जेक्ट का यहाँ पे वैल्यू चेंज होना चाहिए ना,
देखते हैं होता क्या, हुआ नहीं हुआ, जबकि इसमें डेटा है ऑलरेडी। दिखाऊं मैं सेकेंड क्लास के लिए, अगर डेटा मैं दिखाऊं सब्जेक्ट में इधर है, बट इस केस में नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमें और एक इवेंट लेना है रिव्यू में और उसके अंदर ये कोड करना है, ठीक है। ये देखते हैं, ये ठीक है, ये करते हैं। तो उसका जो सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज होगा वो ग्रिड व्यू में जो ये है मेरा ड्रॉप डाउन, उसका इवेंट चेंज होने पर वो आना चाहिए, राइट। तो वो हमें करवाना है, तो पहले हमें उसका ग्रिड व्यू लेना पड़ेगा। अभी यहाँ से हमको तो उसका ये नहीं होगा, इसके लिए हमको डिज़ाइन पेज में जाना पड़ेगा। डिज़ाइन पेज में हमको कौन सा है जो ये है ड्रॉप डाउन पे इवेंट चेंज होना चाहिए, एडिट टेम्पलेट में जाना है। इसके अंदर कौन सा है हमारा ड्रॉप डाउन जो है क्लास का ही ड्रॉप डाउन है ना, उसके चेंज होने पर आना चाहिए। तो मैं क्लास का ड्रॉप डाउन जो है ये इधर है, तो इसके अंदर उसका प्रॉपर्टी में मुझे उसका इवेंट ये करवाना है ना, सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज वाला, ये रहा उसका इवेंट। डबल क्लिक करूँगा तो इसका इवेंट जनरेट हो गया। अब इसके चेंज इवेंट पे क्या करना है मुझे, मेरा ये बाइंड करना है क्लास का वैल्यू, सॉरी सब्जेक्ट का वैल्यू उस ड्रॉप डाउन में बाइंड करना है, ठीक है। तो वो कर लेते हैं, बट सबसे पहले यहाँ पे ठीक है, करते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट डीडीएल डीडीएल क्लास सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट नेम देता हूँ ये, और इसको लग इसमें पासिंग करना है ड्रॉप डाउन लिस्ट में, इसका ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे, और ये सेंडर, ठीक है ये हो गया। और ग्रिड व्यू रो, एक्चुअली रो लेना है यहाँ पे, रो आ जाएगा, हाँ रो, फिर ऑब्जेक्ट नेम रो ले लिया, और वापस इसको पार्सिंग करना है ग्रिड व्यू रो में, ग्रिड व्यू रो आ गया। और इसको मैं जो डी डी एल मेरा ये था क्लास सिलेक्टेड, डी डी एल क्लास सिलेक्टेड ऊपर है मेरा क्लास सिलेक्टेड डॉट नेमिंग नेमिंग कंटेनर, ये हो गया। इसके बाद में अब यहाँ पर मैं चेक करूँगा कि मेरा जो रो आ रहा है, जो भी रो अभी सिलेक्टेड एडिट मोड ये एडिट में जो बाइंड करने जाऊँगा मैं, वो टाइम पे ना तभी होना चाहिए, तभी होना चाहिए जब एडिट होगा उस टाइम पे ही बाइंड होना चाहिए ना, उसके पहले नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि तभी वो बाय ये हो रहा है ना, तभी कॉल हो रहा है ना ये सिलेक्टेड इंडेक्स, जब मैं एडिट मोड पे जाता हूँ मैं, और तभी वहाँ पे ये ड्रॉप डाउन चेंज करो ना क्लास का, और तभी चेंज होकर सब्जेक्ट में उसका असर होना चाहिए, राइट। तो उसके यहाँ पे ले चेक करो कि जो हमको रो मिल रहा है वो नल तो नहीं है, रो टाइप कहाँ से आ गया, अच्छा डॉट डाला था मैंने पहले, रो नॉट इक्वल टू नल। इसके अंदर मुझे चेक करना है कि मेरा जो ये है जो ये है कि एडिट मोड में है कि नहीं, ठीक है। तो पहले हमको ये चेक करना है रो डॉट रो स्टेट, रो का स्टेट जो है क्या है, एंड डेटा कंट्रोल रो स्टेट, डेटा कंट्रोल का जो ये रो स्टेट है वो क्या है, एडिट है कि क्या है, एडिट रहेगा तो ये ग्रेटर देन जीरो होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा तो ही ये मालूम पड़ेगा कि ये एडिट फंक्शन में भी है, ठीक है। और ट्रू होगा तो मतलब ग्रेटर देन जीरो होगा, वन होगा, ठीक है, जिसकी वजह से ये ग्रेटर देन जीरो का हमको कंडीशन चेक करना है, ओके।
तो ये है, तो ही हमको इसको अंदर ये करना है, अलाउ करना, चेक करने ये एडिट करने के लिए, सॉरी बाइंड करने के लिए। तो इसके अंदर अभी हमें क्या करना है, बट ये एरर क्यों दे रहे हैं। ओके यहाँ पे जो चेक होगा, इस यहाँ पे और एक ब्रैकेट लेता हूँ मैं, और इसको तो दोनों का जो वैल्यू जो आएगा, ग्रेटर देन वन आएगा, जीरो आएगा, तब ये होगा ट्रू, तो अंदर आएगा। ठीक है, तो ये भी ये एरर गया इसका। और यहाँ पे मैं भी अपना लेता हूँ ड्रॉप डाउन लिस्ट डी डी एल सब्जेक्ट जी वी, सब्जेक्ट जो है इसका ग्रिड व्यू का वो ले लिया मैंने। ठीक है, और पार्सिंग करना है ग्रिड व्यू का इसमें, सॉरी ड्रॉप डाउन का है ना, तो ड्रॉप डाउन में ड्रॉप डाउन लिस्ट इसमें से कौन सा चाहिए मुझे, जो रो में है ड्रॉप डाउन, जो रो में है उसमें से मुझे फाइंड कंट्रोल करना है, कौन सा कंट्रोल, उसका मुझे आईडी पास करना है, जो कंट्रोल फाइंड करवाना है, जो कि ये है ऑब्जेक्ट नेम सेम है, बस यहाँ पे एक हल्का सा चेंज होगा, यहाँ पे कैपिटल भी है और स्मॉल भी है हमारा चाहिए, तो मैं वहाँ पे दिखा देता हूँ डिजाइन पेज में स्टार्टिंग का। तो ये आईडी मैं कहाँ से ले रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ, ये आईडी मुझे यहाँ से मिल जाएगा, उसको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। और ये दूसरा जो मेरा ड्रॉप डाउन है इसमें का, एक क्लास के लिए चाहिए, तो मुझे कहाँ पे चाहिए उसको, इसमें चाहिए ना सब्जेक्ट एलिमेंट, तो डी डी एल सब्जेक्ट ये आईडी हमें चाहिए, कॉपी किया और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, कोई चेंजेस नहीं। ठीक है, हो गया ये मेरा। इसका मैंने ऑब्जेक्ट निकाल लिया। ठीक है, अब मुझे जो है डेटाबेस से डेटा लेके और इस ऑब्जेक्ट में मुझे बाइंड करवाना रहेगा। ठीक, वैसे अगर मैं ये नहीं लूँगा तो भी ये हो जाएगा मेरे ख्याल से, तो इसमें कमेंट करता हूँ क्योंकि मुझे इसका यूज़ कहीं लग नहीं रहा अभी, इसको फिलहाल कमेंट करता हूँ मैं। और जो मेरा ये डेटा टेबल का ऑब्जेक्ट लेके क्लास लेके उसके अंदर ये करता हूँ मैं क्वेरी का एफ एन डॉट फैच, इसके अंदर मैं अपना क्वेरी पास करता हूँ, क्या आएगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सब्जेक्ट टेबल से आएगा ना, सब्जेक्ट टेबल वेयर कंडीशन बेस पे आएगा बराबर, तो किसके बेस पे, क्लास आईडी की बेस पे ना, कौन सा क्लास आईडी सिलेक्टेड उसके बेस पे आना चाहिए। तो क्लास आईडी भी कहाँ से मिलेगा अभी हमको, जो यहाँ पे ये लिए हैं ये वाला, इसका आईडी कॉपी करना हमको, पेस्ट करते हैं ऑब्जेक्ट नेम उसका डॉट सिलेक्टेड वैल्यू, ये हो गया हमको, वहाँ से उसका वैल्यू मिल जाएगा क्लास ड्रॉप डाउन क्लास का। ठीक है, और यहाँ पर हमको उसका क्वेरी फॉर्म हो जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पे ड्रॉप डाउन बाइंड कर देंगे। ठीक है, तो ड्रॉप डाउन कौन सा हमारा यहाँ पे, ये है ना, ओके हमको डायरेक्टली वो ड्रॉप डाउन यहाँ पे से एक्सेस नहीं होगा मेरे ख्याल से, इसके वजह से वो लिए थे हम लोग ने, देखते हैं ड्रॉप डाउन सब्जेक्ट नहीं है, नहीं मिलेगा, तो ये जो है ना इसके लिए लिए है। ठीक है, तो हम लोग उसके लिए लिए, तो यहाँ पे जो उसका ऑब्जेक्ट बनेगा फिर उस पर हमको ये फाइंड करना है ना, तो उसका ऑब्जेक्ट अभी हमको इधर मिल गया। ठीक है, तो अभी इस पर हमें ये हमारा जो है नया जो ये सब्जेक्ट वाला ड्रॉप डाउन है तो इस पर हमको मिल जाएगा, तो इसका जो है डेटा सोर्स हमको बाइंड करना है, डेटा सोर्स जो कि हमारा डी टी में आ रहा है, फिर वापस से डी डी एल डॉट डेटा बाइंड है ना हमारा फंक्शन है, और डेटा बाइंड से हमको पहले ये करना है उसका डेटा टेक्स्ट फील्ड डेटा वैल्यू फील्ड बाइंड करवाना है इसमें, तो डेटा
डेटा टेक्स्ट फील्ड या वैल्यू फील्ड जो भी पहले ले लो, डेटा टेक्स्ट फील्ड लेता हूँ चलो उसमें, और उसका जो नाम है सब्जेक्ट का ना, तो सब्जेक्ट मेन है जो कि डिस्प्ले होगा एंड कैप्स में सब्जेक्ट नेम सेमी कोलन, वैसे ही डी डी एल सब्जेक्ट में डेटा वैल्यू फील्ड है, इसको हम सब्जेक्ट आईडी है, आईडी डी कैप्स में सेमी कोलन, ये हो गया सेव। इसके बाद में अभी क्या करना है, इसको बाइंड करना है, डॉट डेटा बाइंड, नहीं हो गया ठीक है। अब मैं इसको अंदर करता हूँ, अभी मैं ऐड करने जा रहा हूँ, मैं अभी मैं क्लास चेंज करूँगा मैं, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे ही आना चाहिए राइट। तो यहाँ पे आ गया मैक्स, बट अभी क्या इशू हो रहा है, लाइक अभी मैं जब चेंज कर रहा हूँ तभी ये आ रहा है और बराबर है, बट उसका सिलेक्टेड जो पहले से सिलेक्ट था वो नहीं आ रहा ना, मुझे वो चाहिए। जैसे कि अभी यहाँ पे क्या सिलेक्टेड सब्जेक्ट मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट सिलेक्टेड है, वो एडिट पे नहीं आ रहा है, मुझे वो आना चाहिए जो कि क्लास फर्स्ट पे जो सब्जेक्ट सिलेक्टेड है वो आना चाहिए ना, और सिलेक्ट हो गया इसमें से होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। मैं एडिट पे वापस दिखाता हूँ, मैं क्लास फर्स्ट मेरा यहाँ पे सिलेक्टेड आ रहा है बट ये नहीं आ रहा है, इसका ना सब्जेक्ट नहीं आया, ये नहीं आ रहा, इसमें बाइंड होकर नहीं आ रहा है डेटा। तो मतलब जब ये ग्रिड व्यू कॉल होता है ना, मतलब यहाँ पे शो होने के लिए, तभी हमको यहाँ पे डेटा बाइंड करवाना पड़ेगा इसमें, तो इसके लिए और एक इवेंट हमें करना पड़ेगा ठीक है। तो ये होगा, अगर अपडेट करवाना है, जैसे सेकेंड क्लास में डाल रहा हूँ मैं इसको, यहाँ पे मैं सब्जेक्ट मुझे मिल जा रहा है, मैं इंग्लिश में इसको असाइन कर देता हूँ, मैं और कर देता हूँ इसको मैं अपडेट, तो ये मेरा ऐड हो गया है ठीक है। यहाँ पे सेकेंड क्लास के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए ये हो गया, अगर मैं अभी भी एडिट पे जाऊँ मैं, तो अभी भी यहाँ पे सिलेक्टेड जो है सेकेंड क्लास का सेकेंड सिलेक्ट होकर आ रहा है ऑटोमेटिक, और सब्जेक्ट कुछ भी नहीं आ रहा, तो हमें ये चाहिए, अभी इस पर काम करना है ठीक है। उसके लिए हमें जो इवेंट लेना है रिव्यू में, वो है इसकी, ये ग्रिड व्यू है मेरा, इसमें मैं डिजाइन में जाता हूँ, मैं यहाँ पे उसको मैं ये करता हूँ एंड टेम्पलेट एडिटिंग, और ये सिलेक्टेड मेरा, अब प्रॉपर्टीज में जाता हूँ उसका ग्रिड व्यू के। अब इसमें मुझे एक इवेंट जनरेट करना है जो कि क्या करता है, रो डेटा बाउंड, नाम क्या है, रो डेटा बाउंड, डेटा बाउंड ये है रो डेटा बाउंड, डबल क्लिक करते हैं इस पर, इसका इवेंट जनरेट हो गया। अब इसमें मुझे करना क्या है, इफ कंडीशन लेता हूँ, इसमें पास करता हूँ कि ये जो रो है मेरा, इसका रो का टाइप क्या है, उसका टाइप डेटा रो होना चाहिए तभी इसके अंदर आएगा, इफ के अंदर अदरवाइज नहीं ठीक है। तो इसके अंदर आएगा तो भी क्या करेगा, वापस से यहाँ पे चेक करना है कि ये एडिट मोड में है कि नहीं, तो ई डॉट रो डॉट रो टाइप एंड ये एडिट मोड वाला पार्ट जो है वो चेक करना है, डेटा कन रो स्टेट, रो का जो स्टेट है वो क्या है, एडिट स्टेट है क्या ठीक है। तो इसको मैं डबल क्लोज में मुझे लेना पड़ेगा, ये यहाँ से डबल कोट्स, हाँ ये ब्रैकेट में, डबल ब्रैकेट में ले लिया उसको मैं, और यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होना चाहिए तभी ठीक है। और मैं इसको ये बनता हूँ इसके अंदर, बट ये एरर दिखा रहा है अभी भी, रो डॉट रो स्टेट, अच्छा यहाँ पे रो स्टेट है, मैंने टाइप ले लिया सॉरी, रो स्टेट अभी इसका हो गया, क्योंकि मैं यहाँ पर रो का स्टेट चेक करना है ना यहाँ पे भी, ये एडिट का ठीक है, जिसके यहाँ पे पहले भी किए थे ना यहाँ पे, इसके लिए रो स्टेट ये लाइन वाइज सेम है ठीक है, इसके अंदर चेक करता है, बट इसके अंदर एक्स्ट्रा ये कि जो रो टाइप है क्या है, डेटा रो है, तभी इसके अंदर रो स्टेट का ये एडिट में आएगा ओके।
ठीक है, तो अभी इसके अंदर मुझे वही ये लेना है कंट्रोल फाइंड करने का, जो कि यहाँ पर क्वेरी है, सो कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। बट यहाँ पे कैसा है, ई ग्रिड व्यू का रो है ना, वहाँ से ही है ग्रिड व्यू रो इवेंट आर्क्स, इसका ई ऑब्जेक्ट है, मुझे वो लेना है। तो डायरेक्ट रो एक्सेस नहीं मिलेगा मुझे यहाँ पे है, तो ई डॉट रो मिल गया, ये रो निकालना पड़ेगा मुझे, यहाँ से ही एक्सेस मिलेगा। तो मैं जो ये क्या करना है, कहाँ का ये चाहिए अभी, ये जो कि क्लास का आईडी है, ड्रॉप डाउन क्लास आईडी, जो ड्रॉप डाउन है उसका आईडी मुझे चाहिए, जो कि ये क्लास का आईडी, उसका ड्रॉप डाउन का आईडी है, वो यहाँ पे पेस्ट करना है। भी मुझे यहाँ पे इसका मिलेगा डीडीएल क्लास का मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको ही वापस कॉपी कर देता हूँ, पेस्ट। और यहाँ पे मुझे सब्जेक्ट का चाहिए, तो सब्जेक्ट का आईडी जो है ड्रॉप डाउन का, ये कॉपी किया और इधर पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसका आईडी में चेंज करता हूँ, इसे डीडीएल क्लास है, डीडीएल सब्जेक्ट। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये मिल गया, लाइक क्लास का कौन सा है सिलेक्टेड वो मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं इसका ये करता हूँ वापस से, ये पार्ट, तो यहाँ से थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट, सिलेक्टेड फॉर्म सब्जेक्ट, ओके। वह क्लास आईडी जो है, क्लास आईडी हमारा कहाँ से भी आ रहा है, डिटेल क्लास से आएगा, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, डिटेल क्लास डॉट सिलेक्टेड वैल्यू, यहाँ से मुझे उसका ये मिल गया कौन सा वैल्यू से है क्लास का सिलेक्टेड है, ठीक है। उसके बेस पर मुझे ये मिलेगा, और उसको मुझे किस में बाइंड करना है, इसके अंदर जो ये इसका ऑब्जेक्ट बना है, इसके अंदर बाइंड करना है। तो उसको मैं रिमूव करता हूँ, कंट्रोल एल सॉरी शिफ्ट एल प्रेस करता हूँ, और डाउन एरो, ये नीचे जाएगा। अब इसको मैं शिफ्ट कंट्रोल और राइट एरो यहाँ तक, ठीक, कॉपी कर लिया इसको, और इसको मैं करता हूँ पेस्ट, एक साथ में सब रिमूव हो गया। और यहाँ पे मुझे सब्जेक्ट नेम चाहिए, हाँ सब्जेक्ट नेम सब्जेक्ट आईडी है, ये बराबर है। बट इसके साथ में मुझे यहाँ पे एंडिंग में ये चाहिए डिटेल सब्जेक्ट, ये एक नया आइटम ऐड करवाना है, आइटम डॉट इंसर्ट, जीरो इंडेक्स में मुझे आइटम इंसर्ट करवाना है, सिलेक्ट सब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गया, सही ये पूरा हो गया, मैं इसको रन करके दिखाता हूँ अभी, अभी पूरा हुआ होना चाहिए अच्छे से। हाँ मैं भी एडिट करता हूँ मैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये आ रहा है, सिलेक्टेड नहीं आया है ना, जो फर्स्ट वाला वैल्यू वाला है, लेकिन सिलेक्टेड नहीं आया। सिलेक्टेड के लिए मेरे ख्याल से इसका डिज़ाइन पेज में, इसके लिए मैंने सिलेक्टेड वाला पार्ट नहीं रखा हूँ शायद, इसकी वजह से, हाँ उसके लिए नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्टेड पार्ट डाल देता हूँ मैं, जैसे कि यहाँ से ये कॉपी कर लेता हूँ मैं क्लास वाले, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, कहाँ गया, हाँ ये रहा ड्रॉप डाउन, हाँ पेस्ट। और यहाँ पे क्लास आईडी के बदले में यहाँ पे सब्जेक्ट नेम पेस्ट करना है, नहीं क्लास आईडी नहीं, नेम नेम या सब्जेक्ट नेम आएगा, तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट आईडी आएगा, सब्जेक्ट आईडी, उसको सेव किया, और यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूँगा। अब मैं एडिट करने जा रहा हूँ मैं, क्या हुआ, एरर दे रहा है क्यों,
आउट ऑफ रेंज, डज नॉट एग्जिस्ट। मैं स्पे करता हूँ, ब्रेक पॉइंट करता हूँ मैं, और कंटिन्यू करता हूँ, प्रॉपर चेक करता हूँ मैं कैश हो। चलो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करता हूँ मैं भी, तो यहाँ पे भी अप्लाई पे जाता हूँ। क्वेरी जो है हमारा बन के आता है, उसमें प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि उसको मैंने और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं। ठीक है, उस प्रॉब्लम को देखता हूँ। क्वेरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉपर आ रहा है वैल्यू। ठीक है, बट वो इशू क्या हो रहा है वहाँ पे, कि जो बोल रहा है कि सब्जेक्ट में वो ऐसा आइटम एग्जिस्ट नहीं है। ओके, तो अगर मैं ये करूँ, उसको एग्जीक्यूट करता हूँ अभी, बाइंड यहाँ पे डेटा रिटर्न कर रहा है, यहाँ तक कोई इशू नहीं है, लेकिन जब बाइंड करने जा रहा है ग्रीन में, तब भी ये इशू आ रहा है। देखो है ना, DDL में आउट ऑफ रेंज, मेरा डस नॉट एग्जिस्ट इन द लिस्ट। ठीक है, मुझे लगता है ये जो मैंने पार्ट इसमें ऐड करवाया हो ना, इस पे इशू आ रहा है। ये लास्ट पार्ट में जीरो इंडेक्स जो है ऐड करवाया मैंने, मतलब इसकी वजह से इशू आ रही है। उसको मैं कमेंट कर देता हूँ, मैं सेव कंटिन्यू। बैक करता हूँ, एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, कंटिन्यू, सेव हुआ पेज। हाँ ठीक है, चेंजेस सेव हुआ है। अब मैं इसको लाइक ये करता हूँ एडिट पे, ठीक है, अभी कोई एरर नहीं देना चाहिए। ओके, अभी भी इसने एरर दे दिया। ओके अच्छा, तो जो मैंने वहाँ पे ये बाइंड किया हो ना, अभी डिज़ाइन पेज में मेरे कल से उस पेज आ रही है, तो इसको मैं रिमूव करता हूँ सिलेक्टेड इंडेक्स का जो है इस पे, और उसको नहीं लेता हूँ मैं, उसको रिमूव कर दिया मैं, सेव कर दिया, और ये जो था कंटिन्यू कर देता हूँ। ठीक है, मैं करता हूँ उसको रिफ्रेश करता हूँ पेज को, ये ब्रेक पॉइंट निकाल दूँ, कंटिन्यू। अब मैं एडिट करूँ, यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट सिलेक्ट होके नहीं आ रहा है, जब सेकेंड क्लास का सिलेक्ट होके आ रहा है, बट सब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं होके आ रहा है। तो जब वो डेटा बाउंड हो रहा है, तो एडिट मोड में जाएगा, वो टाइम पे ये सिलेक्ट होकर सब्जेक्ट सिलेक्ट शो होना चाहिए, इसमें सिलेक्टेड सब्जेक्ट शो होने वाला। ठीक है, तो इसका जब बाइंड हो रहा है रो डेटा बाउंड, ये रहा रो डेटा बाउंड, इसमें क्या कर रहा है, सिलेक्टेड सब्जेक्ट नहीं आ रहा ना, बस वो आ रहा है, बस सिलेक्टेड सब्जेक्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो फिर मैं ये जो उसका ये पार्ट है एडिट पे,
सिलेक्टेड नहीं आ रहा है ना, इंग्लिश था तो इंग्लिश आना चाहिए, तो मैं ये इसको मैं करता हूँ मैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा मैं। ठीक है, तो लाइक इतना सब हो गया अपडेट करने पे। जैसे भी इंग्लिश था, अगर मैं अभी सिलेक्टेड में भी इसको अपडेट करता हूँ मैं, और जैसे टीचर नेम भी अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ मैं, ठीक है, तो मैं ये अपडेट कर देता हूँ मैं, तो ये अपडेट हो जा रहा है। ठीक है, मैं भी और नया ऐड कर लेता हूँ मैं ऑफिस को, ये डिलीट करके देखते हैं ये, और उसको डिलीट करके देखते हैं डिलीट होता है कि नहीं। ठीक है, तो ये ऐड हो गया है, और इसको मैं डिलीट करता हूँ, मैं डिलीट हो गया, मतलब ऐसे काम कर रहा है, तो जब ये जो पार्ट है वो काम नहीं कर रहा है, तो मैं उसको मैं देख लेता हूँ मैं। ठीक है, और इसमें जो पिछले वीडियो में किए थे ऐड टीचर का, तो लाइक इसमें कैसा डेटा काफ़ी ज़्यादा है, तो लाइक इसका स्पेस कम मिल रहा है उसको, तो इसका स्पेस बढ़ा देते हैं। तो टीचर पेज में जाते हैं, तो टीचर पेज में जाते हैं हम, टीचर पेज, टीचर का डिज़ाइन पेज में ग्रिड व्यू को ज़्यादा स्पेस चाहिए ना, तो ग्रिड व्यू में ये कॉल 8 है, मैं उसको कॉल 12 कर देता हूँ, ताकि इसका फुल स्क्रीन जो है वो ले ले, और तो मैं उसको यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ मैं। हाँ, तो देख सकते हो अभी ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ले लिया है। ठीक है, अभी ये अच्छा दिख रहा है, और यहाँ पे एडिट करने के लिए अभी यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, मुझे एड्रेस है ना, तो मुझे यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स नहीं, मुझे टेक्स्ट एरिया चाहिए, मतलब मल्टी लाइन एडिट के लिए आना चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ना ये एड्रेस के लिए ना, एड्रेस के लिए ये रहा एड्रेस, और ये टेक्स्ट बॉक्स है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी है जो अपना पता ही होगा, वो ऐड कर देता हूँ, टेक्स्ट मोड, टेक्स्ट मोड इक्वल्स टू मल्टी लाइन सेव, यहाँ पे करता हूँ रिफ्रेश, यहाँ पे देखना भी ये बड़ा बॉक्स हो गया है, इसको मैं ये कर सकता हूँ स्क्रॉल जितना नीचे कर सकता हूँ। ठीक है, चाहिए तो उसको हाइटर भी जितना देना दे देना। ठीक है, तो ये पार्ट भी हो गया, तो ये जो पार्ट मैं बोला बाकी हूँ वो मैं करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, और फिर नेक्स्ट वीडियो में भी ऐड करेंगे ये एड एक्सपेंस, टीचर का कितना फीस रहता है पर लेक्चर्स का। ठीक है, तो उस पर काम करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।